मैं प्यार करता हूँ आरती से और हमेशा करता रहूंगा, बिना देखे बिना मिले। दीपक, तुम्हारा प्यार पाने के लिए जो तुम कहोगे मैं करूँगी। दीपक को भूल जाइए। सिर्फ तुम इस मूवी की कहानी शुरू होगी जहाँ पर दीपक राय, जिसमें इसमें संजय कपूर है, दीपक राय को एक अनजाना पर्स मिल रहा है जिसमें आरती नामक की एक महिलाओं के कई सारे शैक्षणिक पत्र, महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स और उसके लिए कुछ अनावश्यक चीज़ें रखी थी। उसे पता चलता है कि यह महिला नैनीताल में अपना जीवन व्यतीत करती है। दीपक राय उस पर्स को बिना खोले और बिना उसमें से कोई चीज़ उठाए ही उस पर्स को नैनीताल में भेजने का और वह सामान उसके पास भेजने का फैसला करता है। वह पत्र के द्वारा फिर से जो सामान उसे पर्स के तौर पर मिला था वह उसे पीछे भेज देता है। इसमें पत्रों के माध्यम से उन दोनों के बीच में ही एक अस्थाई पत्राचार शुरू होता है, जिसमें आरती की महत्वपूर्ण कागज़ पत्र उसे मिलने की वजह से वह काफ़ी खुश है। वह दीपक के लिए एक धन्यवाद पत्र का भेजती है, जिसके बाद उन्हें एक दूसरे के साथ पत्र का व्यवहार करना शुरू करना है। फिल्म की कहानी दिन ब दिन आगे बढ़ती है, जहाँ पर दोनों के पत्र व्यवहार से भले ही एक दूसरे को यह दोनों जोड़ा जानता नहीं था और ना ही एक दूसरे को उन्होंने आपस में कभी देखा था ना मिले थे, लेकिन दोनों के ही तरफ एक दूसरे का जो आकर्षण है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है। पत्र व्यवहार से उनके आकर्षण को बढ़ावा मिलता है। आरती की बहन और देवल निर्मल कुछ हद तक उनका अब धीरे धीरे हौसला भी बढ़ाना शुरू करते हैं, जबकि निर्मल ने तो यह भी सुझाव दिया था कि यह जो भी कर रही हो वो गलत है, तुम अपने ही पड़ोस के एक प्रसिद्ध युवा व्यवसायी और व्यवसाय साझेदार जिसका नाम प्रेम है उससे शादी कर लो। इसमें प्रेम की भूमिका में सलमान खान नजर आते हैं। सलमान खान ने फिल्म में प्रेम की भूमिका में एक महत्वपूर्ण अभिनय निभाया हुआ भी नज़र आता है, जिन्हें सिर्फ प्रेम के तौर पर ही फिल्म में दिखाया जाता है। बाद में उन्हें इस फिल्म से हटा दिया जाता है। बात करते हैं कहानी से जुड़ी कुछ अन्य हिस्सों की, जहाँ पर उसकी बहन, बड़ी बहन आरती के लिए यह कहते हुए कि तुम अपना जीवन साथी खुद चुनो। एक दिन आरती दीपक को यह बताए बिना ही वह उसे ढूंढने और खोजने की तलाश में निकल पड़ती है, क्योंकि वह दीपक को गिफ्ट और साथ ही सरप्राइज देने का फैसला करती है। वह दीपक से कोई भी वार्तालाप न करते हुए दीपक को खोज करने के लिए उसके यहाँ जाने का फैसला करती है, क्योंकि उसे सिर्फ यही पता है कि वह दिल्ली में रहता है, तो वह फिलहाल दिल्ली में आ रही है क्योंकि उसकी बॉस नेहा के साथ अस्थायी तौर पर उसकी नौकरी चल रही है और वह उसके यहाँ वह नौकरी करती है। मामलों की मदद नहीं कर रही नेहा है, जो दीपक की एक बॉस है, लेकिन बॉस से अधिक वह दीपक की तरफ काफ़ी रोमांटिक है और रोमांटिक इस तरह से है कि वह दीपक से प्यार करती है, लेकिन दीपक उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता। उसका दिल सिर्फ आरती के लिए धड़कता है और वह सिर्फ आरती से ही प्यार करता है। कई बार इस तरह के झगड़े होने के चलते अब वह इस्तीफा देने को तैयार है और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपने दोस्त प्रीतम के कहने पर अब एक ऑटो रिक्शा का चालक शुरू कर देता है, जिससे उसकी दोस्ती तब पहली बार दिल्ली में हुई थी। एक इंसान के रूप में वह उसका काफ़ी सम्मान करता है और प्रीतम ने उसकी मदद के लिए की थी जब उसका कोई भी ठेर ठिकावा नहीं था। पत्राचार के दौरान कुछ महीने पहले आरती ने दीपक को एक ऊनी स्वेटर को भी भेजा हुआ था जिस पर रोशनी का दिया बना है। जब आरती दिल्ली पहुंचती है तो वह दीपक के पते पर उसे तलाशती है और उम्मीद करती है कि वह उसे मिल सके, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सिर्फ तुम इस मूवी की कहानी शुरू होगी जहाँ पर दीपक राय, जिसमें इसमें संजय कपूर है, दीपक राय को एक अनजाना पर्स मिल रहा है जिसमें आरती नामक की एक महिलाओं के कई सारे शैक्षणिक पत्र, महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स और उसके लिए कुछ अनावश्यक चीज़ें रखी थी। उसे पता चलता है कि यह महिला नैनीताल में
अपना जीवन व्यतीत करती है। दीपक राय उस पर्स को बिना खोले और बिना उसमें से कोई चीज़ उठाए ही उस पर्स को नैनीताल में भेजने का और वह सामान उसके पास भेजने का फैसला करता है। वह पत्र के द्वारा फिर से जो सामान उसे पर्स के तौर पर मिला था वह उसे पीछे भेज देता है। इसमें पत्रों के माध्यम से उन दोनों के बीच में ही एक अस्थाई पत्राचार शुरू होता है, जिसमें आरती की महत्वपूर्ण कागज़ पत्र उसे मिलने की वजह से वह काफ़ी खुश है। वह दीपक के लिए एक धन्यवाद पत्र का भेजती है, जिसके बाद उन्हें एक दूसरे के साथ पत्र का व्यवहार करना शुरू करना है। फिल्म की कहानी दिन ब दिन आगे बढ़ती है, जहाँ पर दोनों के पत्र व्यवहार से भले ही एक दूसरे को यह दोनों जोड़ा जानता नहीं था और ना ही एक दूसरे को उन्होंने आपस में कभी देखा था ना मिले थे, लेकिन दोनों के ही तरफ एक दूसरे का जो आकर्षण है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है। पत्र व्यवहार से उनके आकर्षण को बढ़ावा मिलता है। आरती की बहन और देवल निर्मल कुछ हद तक उनका अब धीरे धीरे हौसला भी बढ़ाना शुरू करते हैं, जबकि निर्मल ने तो यह भी सुझाव दिया था कि यह जो भी कर रही हो वो गलत है, तुम अपने ही पड़ोस के एक प्रसिद्ध युवा व्यवसायी और व्यवसाय साझेदार जिसका नाम प्रेम है उससे शादी कर लो। इसमें प्रेम की भूमिका में सलमान खान नजर आते हैं। सलमान खान ने फिल्म में प्रेम की भूमिका में एक महत्वपूर्ण अभिनय निभाया हुआ भी नज़र आता है, जिन्हें सिर्फ प्रेम के तौर पर ही फिल्म में दिखाया जाता है। बाद में उन्हें इस फिल्म से हटा दिया जाता है। बात करते हैं कहानी से जुड़ी कुछ अन्य हिस्सों की, जहाँ पर उसकी बहन बड़ी बहन आरती के लिए यह कहते हुए कि तुम अपना जीवन साथी खुद चुनो। एक दिन आरती दीपक को यह बताए बिना ही वह उसे ढूंढने और खोजने की तलाश में निकल पड़ती है, क्योंकि वह दीपक को गिफ्ट और साथ ही सरप्राइज देने का फैसला करती है। वह दीपक से कोई भी वार्तालाप न करते हुए दीपक को खोज करने के लिए उसके यहाँ जाने का फैसला करती है, क्योंकि उसे सिर्फ यही पता है कि वह दिल्ली में रहता है, तो वह फिलहाल दिल्ली में आ रही है क्योंकि उसकी बॉस नेहा के साथ अस्थायी तौर पर उसकी नौकरी चल रही है और वह उसके यहाँ वह नौकरी करती है। मामलों की मदद नहीं कर रही नेहा है, जो दीपक की एक बॉस है, लेकिन बॉस से अधिक वह दीपक की तरफ काफ़ी रोमांटिक है और रोमांटिक इस तरह से है कि वह दीपक से प्यार करती है, लेकिन दीपक उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता। उसका दिल सिर्फ आरती के लिए धड़कता है और वह सिर्फ आरती से ही प्यार करता है। कई बार इस तरह के झगड़े होने के चलते अब वह इस्तीफा देने को तैयार है और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपने दोस्त प्रीतम के कहने पर अब एक ऑटो रिक्शा का चालक शुरू कर देता है, जिससे उसकी दोस्ती तब पहली बार दिल्ली में हुई थी। एक इंसान के रूप में वह उसका काफ़ी सम्मान करता है और प्रीतम ने उसकी मदद के लिए की थी जब उसका कोई भी ठेर ठिकावा नहीं था। पत्राचार के दौरान कुछ महीने पहले आरती ने दीपक को एक ऊनी स्वेटर को भी भेजा हुआ था, जिस पर रोशनी का दिया बना है। जब आरती दिल्ली पहुंचती है तो वह दीपक के पते पर उसे तलाशती है और उम्मीद करती है कि वह उसे मिल सके का, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सिर्फ तुम इस मूवी की कहानी शुरू होगी, जहां पर दीपक राय जिसमें इसमें संजय कपूर है, दीपक राय को एक अनजाना पर्स मिल रहा है जिसमें आरती नामक की एक महिलाओं के कई सारे शैक्षणिक पत्र, महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स और उसके लिए कुछ अनावश्यक चीज़ें रखी थी। उसे पता चलता है कि यह महिला नैनीताल में अपना जीवन व्यतीत करती है। दीपक राय उस पर्स को बिना खोले और बिना उसमें से कोई चीज़ उठाए ही उस पर्स को नैनीताल में भेजने का और वह सामान उसके पास भेजने का फैसला करता है। वह पत्र के द्वारा फिर से जो सामान उसे पर्स के तौर पर मिला था वह उसे पीछे भेज देता है। इसमें पत्रों के माध्यम से उन दोनों के बीच में ही एक अस्थाई पत्राचार शुरू होता है, जिसमें आरती की महत्वपूर्ण कागज़ पत्र उसे मिलने की वजह से वह काफ़ी खुश है। वह
दीपक के लिए एक धन्यवाद पत्र का भेजती है, जिसके बाद उन्हें एक दूसरे के साथ पत्र का व्यवहार करना शुरू करना है। फिल्म की कहानी दिन ब दिन आगे बढ़ती है, जहाँ पर दोनों के पत्र व्यवहार से भले ही एक दूसरे को यह दोनों जोड़ा जानता नहीं था और ना ही एक दूसरे को उन्होंने आपस में कभी देखा था ना मिले थे, लेकिन दोनों के ही तरफ एक दूसरे का जो आकर्षण है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है। पत्र व्यवहार से उनके आकर्षण को बढ़ावा मिलता है। आरती की बहन और देवल निर्मल कुछ हद तक उनका अब धीरे धीरे हौसला भी बढ़ाना शुरू करते हैं, जबकि निर्मल ने तो यह भी सुझाव दिया था कि यह जो भी कर रही हो वो गलत है, तुम अपने ही पड़ोस के एक प्रसिद्ध युवा व्यवसायी और व्यवसाय साझेदार जिसका नाम प्रेम है उससे शादी कर लो। इसमें प्रेम की भूमिका में सलमान खान नजर आते हैं। सलमान खान ने फिल्म में प्रेम की भूमिका में एक महत्वपूर्ण अभिनय निभाया हुआ भी नजर आता है, जिन्हें सिर्फ प्रेम के तौर पर ही फिल्म में दिखाया जाता है, बाद में उन्हें इस फिल्म से हटा दिया जाता है। बात करते हैं कहानी से जुड़ी कुछ अन्य हिस्सों की, जहाँ पर उसकी बहन बड़ी बहन आरती के लिए यह कहते हुए कि तुम अपना जीवन साथी खुद चुनो। एक दिन आरती दीपक को यह बताए बिना ही वह उसे ढूंढने और खोजने की तलाश में निकल पड़ती है, क्योंकि वह दीपक को गिफ्ट और साथ ही सरप्राइज देने का फैसला करती है। वह दीपक से कोई भी वार्तालाप न करते हुए दीपक को खोज करने के लिए उसके यहाँ जाने का फैसला करती है, क्योंकि उसे सिर्फ यही पता है कि वह दिल्ली में रहता है, तो वह फिलहाल दिल्ली में आ रही है क्योंकि उसकी बॉस नेहा के साथ अस्थायी तौर पर उसकी नौकरी चल रही है और वह उसके यहाँ वह नौकरी करती है। मामलों की मदद नहीं कर रही नेहा है, जो दीपक की एक बॉस है, लेकिन बॉस से अधिक वह दीपक की तरफ काफ़ी रोमांटिक है और रोमांटिक इस तरह से है कि वह दीपक से प्यार करती है, लेकिन दीपक उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता। उसका दिल सिर्फ आरती के लिए धड़कता है और वह सिर्फ आरती से ही प्यार करता है। कई बार इस तरह के झगड़े होने के चलते अब वह इस्तीफा देने को तैयार है और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपने दोस्त प्रीतम के कहने पर अब एक ऑटो रिक्शा का चालक शुरू कर देता है, जिससे उसकी दोस्ती तब पहली बार दिल्ली में हुई थी। एक इंसान के रूप में वह उसका काफ़ी सम्मान करता है और प्रीतम ने उसकी मदद के लिए की थी जब उसका कोई भी ठेर ठिकावा नहीं था। पत्राचार के दौरान कुछ महीने पहले आरती ने दीपक को एक ऊनी स्वेटर को भी भेजा हुआ था, जिस पर रोशनी का दिया बना है। जब आरती दिल्ली पहुंचती है तो वह दीपक के पते पर उसे तलाशती है और उम्मीद करती है कि वह उसे मिल सके, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सिर्फ तुम इस मूवी की कहानी शुरू होगी, जहां पर दीपक राय जिसमें इसमें संजय कपूर है, दीपक राय को एक अनजाना पर्स मिल रहा है जिसमें आरती नामक की एक महिलाओं के कई सारे शैक्षणिक पत्र, महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स और उसके लिए कुछ अनावश्यक चीज़ें रखी थी। उसे पता चलता है कि यह महिला नैतीवाल में अपना जीवन व्यतीत करती है। दीपक राय उस पर्स को बिना खोले और बिना उसमें से कोई चीज़ उठाए ही उस पर्स को नैतीवाल में भेजने का और वह सामान उसके पास भेजने का फैसला करता है। वह पत्र के द्वारा फिर से जो सामान उसे पर्स के तौर पर मिला था वह उसे पीछे भेज देता है। इसमें पत्रों के माध्यम से उन दोनों के बीच में ही एक अस्थायी पत्राचार शुरू होता है, जिसमें आरती की महत्वपूर्ण कागज़ पत्र उसे मिलने की वजह से वह काफ़ी खुश है। वह दीपक के लिए एक धन्यवाद पत्र का भेजती है, जिसके बाद उन्हें एक दूसरे के साथ पत्र का व्यवहार करना शुरू करना है। फिल्म की कहानी दिन ब दिन आगे बढ़ती है, जहाँ पर दोनों के पत्र व्यवहार से भले ही एक दूसरे को यह दोनों जोड़ा जानता नहीं था और ना ही एक दूसरे को उन्होंने आपस में कभी देखा था ना मिले थे, लेकिन दोनों के ही तरफ एक दूसरे का जो आकर्षण है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है। पत्र व्यवहार से उनके आकर्षण को बढ़ावा मिलता है। आरती की बहन और देवल निर्मल
कुछ हद तक उनका अब धीरे धीरे हौसला भी बढ़ाना शुरू करते हैं। जबकि निर्मल ने तो यह भी सुझाव दिया था कि यह जो भी कर रही हो वो गलत है, तुम अपने ही पड़ोस के एक प्रसिद्ध युवा व्यवसायी और व्यवसाय साझेदार जिसका नाम प्रेम है उससे शादी कर लो। इसमें प्रेम की भूमिका में सलमान खान नजर आते हैं। सलमान खान ने फिल्म में प्रेम की भूमिका में एक महत्वपूर्ण अभिनय निभाया हुआ भी नजर आता है, जिन्हें सिर्फ प्रेम के तौर पर ही फिल्म में दिखाया जाता है। बाद में उन्हें इस फिल्म से हटा दिया जाता है। बात करते हैं कहानी से जुड़ी कुछ अन्य हिस्सों की, जहाँ पर उसकी बहन बड़ी बहन आरती के लिए यह कहते हुए कि तुम अपना जीवन साथी खुद चुनो। एक दिन आरती दीपक को यह बताए बिना ही वह उसे ढूंढने और खोजने की तलाश में निकल पड़ती है, क्योंकि वह दीपक को गिफ्ट और साथ ही सरप्राइज देने का फैसला करती है। वह दीपक से कोई भी वार्तालाप न करते हुए दीपक को खोज करने के लिए उसके यहाँ जाने का फैसला करती है, क्योंकि उसे सिर्फ यही पता है कि वह दिल्ली में रहता है। तो वह फिलहाल दिल्ली में आ रही है क्योंकि उसकी बॉस नेहा के साथ अस्थायी तौर पर उसकी नौकरी चल रही है और वह उसके यहाँ वह नौकरी करती है। मामलों की मदद नहीं कर रही नेहा है जो दीपक की एक बॉस है, लेकिन बॉस से अधिक वह दीपक की तरफ काफ़ी रोमांटिक है और रोमांटिक इस तरह से है कि वह दीपक से प्यार करती है, लेकिन दीपक उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता। उसका दिल सिर्फ आरती के लिए धड़कता है और वह सिर्फ आरती से ही प्यार करता है। कई बार इस तरह के झगड़े होने के चलते अब वह इस्तीफा देने को तैयार है और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपने दोस्त प्रीतम के कहने पर अब एक ऑटो रिक्शा का चालक शुरू कर देता है, जिससे उसकी दोस्ती तब पहली बार दिल्ली में हुई थी। एक इंसान के रूप में वह उसका काफ़ी सम्मान करता है और प्रीतम ने उसकी मदद के लिए की थी जब उसका कोई भी ठेर ठिकावा नहीं था। पत्राचार के दौरान कुछ महीने पहले आरती ने दीपक को एक ऊनी स्वेटर को भी भेजा हुआ था जिस पर रोशनी का दिया बना है। जब आरती दिल्ली पहुंचती है तो वह दीपक के पते पर उसे तलाशती है और उम्मीद करती है कि वह उसे मिल सके, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सिर्फ तुम इस मूवी की कहानी शुरू होगी, जहां पर दीपक राय जिसमें इसमें संजय कपूर है, दीपक राय को एक अनजाना पर्स मिल रहा है जिसमें आरती नामक की एक महिलाओं के कई सारे शैक्षणिक पत्र, महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स और उसके लिए कुछ अनावश्यक चीज़ें रखी थी। उसे पता चलता है कि यह महिला नैतीवाल में अपना जीवन व्यतीत करती है। दीपक राय उस पर्स को बिना खोले और बिना उसमें से कोई चीज़ उठाए ही उस पर्स को नैतीवाल में भेजने का और वह सामान उसके पास भेजने का फैसला करता है। वह पत्र के द्वारा फिर से जो सामान उसे पर्स के तौर पर मिला था वह उसे पीछे भेज देता है। इसमें पत्रों के माध्यम से उन दोनों के बीच में ही एक अस्थायी पत्राचार शुरू होता है, जिसमें आरती की महत्वपूर्ण कागज़ पत्र उसे मिलने की वजह से वह काफ़ी खुश है। वह दीपक के लिए एक धन्यवाद पत्र का भेजती है, जिसके बाद उन्हें एक दूसरे के साथ पत्र का व्यवहार करना शुरू करना है। फिल्म की कहानी दिन ब दिन आगे बढ़ती है, जहाँ पर दोनों के पत्र व्यवहार से भले ही एक दूसरे को यह दोनों जोड़ा जानता नहीं था और ना ही एक दूसरे को उन्होंने आपस में कभी देखा था ना मिले थे, लेकिन दोनों के ही तरफ एक दूसरे का जो आकर्षण है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है। पत्र व्यवहार से उनके आकर्षण को बढ़ावा मिलता है। आरती की बहन और देवल निर्मल कुछ हद तक उनका अब धीरे धीरे हौसला भी बढ़ाना शुरू करते हैं। जबकि निर्मल ने तो यह भी सुझाव दिया था कि यह जो भी कर रही हो वो गलत है, तुम अपने ही पड़ोस के एक प्रसिद्ध युवा व्यवसायी और व्यवसाय साझेदार जिसका नाम प्रेम है उससे शादी कर लो। इसमें प्रेम की भूमिका में सलमान खान नजर आते हैं। सलमान खान ने फिल्म में प्रेम की भूमिका में एक महत्वपूर्ण अभिनय निभाया हुआ भी नजर आता है, जिन्हें सिर्फ प्रेम के तौर पर ही फिल्म में दिखाया जाता है। बाद में उन्हें इस फिल्म से हटा दिया जाता है।
बात करते हैं कहानी से जुड़ी कुछ अन्य हिस्सों की, जहाँ पर उसकी बहन बड़ी बहन आरती के लिए यह कहते हुए कि तुम अपना जीवन साथी खुद चुनो। एक दिन आरती दीपक को यह बताए बिना ही वह उसे ढूंढने और खोजने की तलाश में निकल पड़ती है, क्योंकि वह दीपक को गिफ्ट और साथ ही सरप्राइज देने का फैसला करती है। वह दीपक से कोई भी वार्तालाप न करते हुए दीपक को खोज करने के लिए उसके यहाँ जाने का फैसला करती है, क्योंकि उसे सिर्फ यही पता है कि वह दिल्ली में रहता है। तो वह फिलहाल दिल्ली में आ रही है क्योंकि उसकी बॉस नेहा के साथ अस्थायी तौर पर उसकी नौकरी चल रही है और वह उसके यहाँ वह नौकरी करती है। मामलों की मदद नहीं कर रही नेहा है, जो दीपक की एक बॉस है, लेकिन बॉस से अधिक वह दीपक की तरफ काफ़ी रोमांटिक है, और रोमांटिक इस तरह से है कि वह दीपक से प्यार करती है, लेकिन दीपक उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता। उसका दिल सिर्फ आरती के लिए धड़कता है और वह सिर्फ आरती से ही प्यार करता है। कई बार इस तरह के झगड़े होने के चलते अब वह इस्तीफा देने को तैयार है और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपने दोस्त प्रीतम के कहने पर अब एक ऑटो रिक्शा का चालक शुरू कर देता है, जिससे उसकी दोस्ती तब पहली बार दिल्ली में हुई थी। एक इंसान के रूप में वह उसका काफ़ी सम्मान करता है और प्रीतम ने उसकी मदद के लिए की थी जब उसका कोई भी ठेर ठिकावा नहीं था। पत्राचार के दौरान कुछ महीने पहले आरती ने दीपक को एक ऊनी स्वेटर को भी भेजा हुआ था, जिस पर रोशनी का दिया बना है। जब आरती दिल्ली पहुंचती है तो वह दीपक के पते पर उसे तलाशती है और उम्मीद करती है कि वह उसे मिल सके था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सिर्फ तुम इस मूवी की कहानी शुरू होगी, जहां पर दीपक राय, जिसमें इसमें संजय कपूर है, दीपक राय को एक अनजाना पर्स मिल रहा है जिसमें आरती नामक की एक महिलाओं के कई सारे शैक्षणिक पत्र, महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स और उसके लिए कुछ अनावश्यक चीज़ें रखी थी। उसे पता चलता है कि यह महिला नैनीताल में अपना जीवन व्यतीत करती है। दीपक राय उस पर्स को बिना खोले और बिना उसमें से कोई चीज़ उठाए ही उस पर्स को नैनीताल में भेजने का और वह सामान उसके पास भेजने का फैसला करता है। वह पत्र के द्वारा फिर से जो सामान उसे पर्स के तौर पर मिला था वह उसे पीछे भेज देता है। इसमें पत्रों के माध्यम से उन दोनों के बीच में ही एक अस्थाई पत्राचार शुरू होता है, जिसमें आरती की महत्वपूर्ण कागज़ पत्र उसे मिलने की वजह से वह काफ़ी खुश है। वह दीपक के लिए एक धन्यवाद पत्र का भेजती है, जिसके बाद उन्हें एक दूसरे के साथ पत्र का व्यवहार करना शुरू करना है। फिल्म की कहानी दिन ब दिन आगे बढ़ती है, जहां पर दोनों के पत्र व्यवहार से भले ही एक दूसरे को यह दोनों जोड़ा जानता नहीं था और ना ही एक दूसरे को उन्होंने आपस में कभी देखा था ना मिले थे, लेकिन दोनों के ही तरफ एक दूसरे का जो आकर्षण है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है। पत्र व्यवहार से उनके आकर्षण को बढ़ावा मिलता है। आरती की बहन और देवल निर्मल कुछ हद तक उनका अब धीरे धीरे हौसला भी बढ़ाना शुरू करते हैं, जबकि निर्मल ने तो यह भी सुझाव दिया था कि यह जो भी कर रही हो वो गलत है, तुम अपने ही पड़ोस के एक प्रसिद्ध युवा व्यवसायी और व्यवसाय साझेदार जिसका नाम प्रेम है उससे शादी कर लो। इसमें प्रेम की भूमिका में सलमान खान नजर आते हैं। सलमान खान ने फिल्म में प्रेम की भूमिका में एक महत्वपूर्ण अभिनय निभाया हुआ भी नज़र आता है, जिन्हें सिर्फ प्रेम के तौर पर ही फिल्म में दिखाया जाता है। बाद में उन्हें इस फिल्म से हटा दिया जाता है। बात करते हैं कहानी से जुड़ी कुछ अन्य हिस्सों की, जहां पर उसकी बहन बड़ी बहन आरती के लिए यह कहते हुए कि तुम अपना जीवन साथी खुद चुनो। एक दिन आरती दीपक को यह बताए बिना ही वह उसे ढूंढने और खोजने की तलाश में निकल पड़ती है, क्योंकि वह दीपक को गिफ्ट और साथ ही सरप्राइज देने का फैसला करती है। वह दीपक से कोई भी वार्तालाप न करते हुए दीपक को खोज करने के लिए उसके यहाँ जाने का फैसला करती है, क्योंकि उसे सिर्फ यही पता है कि वह दिल्ली में रहता है।
तो वह फिलहाल दिल्ली में आ रही है, क्योंकि उसकी बॉस नेहा के साथ अस्थायी तौर पर उसकी नौकरी चल रही है और वह उसके यहाँ वह नौकरी करती है। मामलों की मदद नहीं कर रही नेहा है, जो दीपक की एक बॉस है, लेकिन बॉस से अधिक वह दीपक की तरफ काफ़ी रोमांटिक है, और रोमांटिक इस तरह से है कि वह दीपक से प्यार करती है, लेकिन दीपक उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता। उसका दिल सिर्फ आरती के लिए धड़कता है और वह सिर्फ आरती से ही प्यार करता है। कई बार इस तरह के झगड़े होने के चलते अब वह इस्तीफा देने को तैयार है और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपने दोस्त प्रीतम के कहने पर अब एक ऑटो रिक्शा का चालक शुरू कर देता है, जिससे उसकी दोस्ती तब पहली बार दिल्ली में हुई थी। एक इंसान के रूप में वह उसका काफ़ी सम्मान करता है और प्रीतम ने उसकी मदद के लिए की थी जब उसका कोई भी ठेर ठिकावा नहीं था। पत्राचार के दौरान कुछ महीने पहले आरती ने दीपक को एक ऊनी स्वेटर को भी भेजा हुआ था, जिस पर रोशनी का दिया बना है। जब आरती दिल्ली पहुंचती है तो वह दीपक के पते पर उसे तलाशती है और उम्मीद करती है कि वह उसे मिल सकेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सिर्फ तुम इस मूवी की कहानी शुरू होगी जहां पर दीपक राय, जिसमें इसमें संजय कपूर है, दीपक राय को एक अनजाना पर्स मिल रहा है जिसमें आरती नामक की एक महिलाओं के कई सारे शैक्षणिक पत्र, महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स और उसके लिए कुछ अनावश्यक चीज़ें रखी थी। उसे पता चलता है कि यह महिला नैतीवाल में अपना जीवन व्यतीत करती है। दीपक राय उस पर्स को बिना खोले और बिना उसमें से कोई चीज़ उठाए ही उस पर्स को नैतीवाल में भेजने का और वह सामान उसके पास भेजने का फैसला करता है। वह पत्र के द्वारा फिर से जो सामान उसे पर्स के तौर पर मिला था वह उसे पीछे भेज देता है। इसमें पत्रों के माध्यम से उन दोनों के बीच में ही एक अस्थाई पत्राचार शुरू होता है, जिसमें आरती की महत्वपूर्ण कागज़ पत्र उसे मिलने की वजह से वह काफ़ी खुश है। वह दीपक के लिए एक धन्यवाद पत्र का भेजती है, जिसके बाद उन्हें एक दूसरे के साथ पत्र का व्यवहार करना शुरू करना है। फिल्म की कहानी दिन ब दिन आगे बढ़ती है, जहां पर दोनों के पत्र व्यवहार से भले ही एक दूसरे को यह दोनों जोड़ा जानता नहीं था और ना ही एक दूसरे को उन्होंने आपस में कभी देखा था ना मिले थे, लेकिन दोनों के ही तरफ एक दूसरे का जो आकर्षण है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है। पत्र व्यवहार से उनके आकर्षण को बढ़ावा मिलता है। आरती की बहन और देवल निर्मल कुछ हद तक उनका अब धीरे धीरे हौसला भी बढ़ाना शुरू करते हैं, जबकि निर्मल ने तो यह भी सुझाव दिया था कि यह जो भी कर रही हो वो गलत है, तुम अपने ही पड़ोस के एक प्रसिद्ध युवा व्यवसायी और व्यवसाय साझेदार जिसका नाम प्रेम है उससे शादी कर लो। इसमें प्रेम की भूमिका में सलमान खान नजर आते हैं। सलमान खान ने फिल्म में प्रेम की भूमिका में एक महत्वपूर्ण अभिनय निभाया हुआ भी नज़र आता है, जिन्हें सिर्फ प्रेम के तौर पर ही फिल्म में दिखाया जाता है। बाद में उन्हें इस फिल्म से हटा दिया जाता है। बात करते हैं कहानी से जुड़ी कुछ अन्य हिस्सों की, जहां पर उसकी बहन, बड़ी बहन आरती के लिए यह कहते हुए कि तुम अपना जीवन साथी खुद चुनो। एक दिन आरती दीपक को यह बताए बिना ही वह उसे ढूंढने और खोजने की तलाश में निकल पड़ती है, क्योंकि वह दीपक को गिफ्ट और साथ ही सरप्राइज देने का फैसला करती है। वह दीपक से कोई भी वार्तालाप न करते हुए दीपक को खोज करने के लिए उसके यहाँ जाने का फैसला करती है, क्योंकि उसे सिर्फ यही पता है कि वह दिल्ली में रहता है, तो वह फिलहाल दिल्ली में आ रही है, क्योंकि उसकी बॉस नेहा के साथ अस्थायी तौर पर उसकी नौकरी चल रही है और वह उसके यहाँ वह नौकरी करती है। मामलों की मदद नहीं कर रही नेहा है, जो दीपक की एक बॉस है, लेकिन बॉस से अधिक वह दीपक की तरफ काफ़ी रोमांटिक है, और रोमांटिक इस तरह से है कि वह दीपक से प्यार करती है, लेकिन दीपक उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता। उसका दिल सिर्फ आरती के लिए धड़कता है और वह सिर्फ आरती से ही प्यार करता है। कई
बार इस तरह के झगड़े होने के चलते अब वह इस्तीफा देने को तैयार है और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपने दोस्त प्रीतम के कहने पर अब एक ऑटो रिक्शा का चालक शुरू कर देता है, जिससे उसकी दोस्ती तब पहली बार दिल्ली में हुई थी। एक इंसान के रूप में वह उसका काफ़ी सम्मान करता है और प्रीतम ने उसकी मदद के लिए की थी जब उसका कोई भी ठेर ठिकावा नहीं था। पत्राचार के दौरान कुछ महीने पहले आरती ने दीपक को एक ऊनी स्वेटर को भी भेजा हुआ था जिस पर रोशनी का दिया बना है। जब आरती दिल्ली पहुंचती है तो वह दीपक के पते पर उसे तलाशती है और उम्मीद करती है कि वह उसे मिल सके, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सिर्फ तुम इस मूवी की कहानी शुरू होगी जहां पर दीपक राय, जिसमें इसमें संजय कपूर है, दीपक राय को एक अनजाना पर्स मिल रहा है जिसमें आरती नामक की एक महिलाओं के कई सारे शैक्षणिक पत्र, महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स और उसके लिए कुछ अनावश्यक चीज़ें रखी थी। उसे पता चलता है कि यह महिला नैनीताल में अपना जीवन व्यतीत करती है। दीपक राय उस पर्स को बिना खोले और बिना उसमें से कोई चीज़ उठाए ही उस पर्स को नैनीताल में भेजने का और वह सामान उसके पास भेजने का फैसला करता है। वह पत्र के द्वारा फिर से जो सामान उसे पर्स के तौर पर मिला था वह उसे पीछे भेज देता है। इसमें पत्रों के माध्यम से उन दोनों के बीच में ही एक अस्थाई पत्राचार शुरू होता है जिसमें आरती की महत्वपूर्ण कागज पत्र उसे मिलने की वजह से वह काफ़ी खुश है। वह दीपक के लिए एक धन्यवाद पत्र का भेजती है जिसके बाद उन्हें एक दूसरे के साथ पत्र का व्यवहार करना शुरू करना है। फिल्म की कहानी दिन ब दिन आगे बढ़ती है जहां पर दोनों के पत्र व्यवहार से भले ही एक दूसरे को यह दोनों जोड़ा जानता नहीं था और ना ही एक दूसरे को उन्होंने आपस में कभी देखा था ना मिले थे, लेकिन दोनों के ही तरफ एक दूसरे का जो आकर्षण है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है। पत्र व्यवहार से उनके आकर्षण को बढ़ावा मिलता है। आरती की बहन और देवल निर्मल कुछ हद तक उनका अब धीरे धीरे हौसला भी बढ़ाना शुरू करते हैं, जबकि निर्मल ने तो यह भी सुझाव दिया था कि यह जो भी कर रही हो वो गलत है, तुम अपने ही पड़ोस के एक प्रसिद्ध युवा व्यवसायी और व्यवसाय साझेदार जिसका नाम प्रेम है उससे शादी कर लो। इसमें प्रेम की भूमिका में सलमान खान नजर आते हैं। सलमान खान ने फिल्म में प्रेम की भूमिका में एक महत्वपूर्ण अभिनय निभाया हुआ भी नज़र आता है, जिन्हें सिर्फ प्रेम के तौर पर ही फिल्म में दिखाया जाता है। बाद में उन्हें इस फिल्म से हटा दिया जाता है। बात करते हैं कहानी से जुड़ी कुछ अन्य हिस्सों की, जहाँ पर उसकी बहन, बड़ी बहन आरती के लिए यह कहते हुए कि तुम अपना जीवन साथी खुद चुने। एक दिन आरती दीपक को यह बताए बिना ही वह उसे ढूंढने और खोजने की तलाश में निकल पड़ती है, क्योंकि वह दीपक को गिफ्ट और साथ ही सरप्राइज देने का फैसला करती है। वह दीपक से कोई भी वार्तालाप न करते हुए दीपक को खोज करने के लिए उसके यहाँ जाने का फैसला करती है, क्योंकि उसे सिर्फ यही पता है कि वह दिल्ली में रहता है। तो वह फिलहाल दिल्ली में आ रही है क्योंकि उसकी बॉस नेहा के साथ अस्थायी तौर पर उसकी नौकरी चल रही है और वह उसके यहाँ वह नौकरी करती है। मामलों की मदद नहीं कर रही नेहा है जो दीपक की एक बॉस है, लेकिन बॉस से अधिक वह दीपक की तरफ काफ़ी रोमांटिक है और रोमांटिक इस तरह से है कि वह दीपक से प्यार करती है, लेकिन दीपक उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता। उसका दिल सिर्फ आरती के लिए धड़कता है और वह सिर्फ आरती से ही प्यार करता है। कई बार इस तरह के झगड़े होने के चलते अब वह इस्तीफा देने को तैयार है और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपने दोस्त प्रीतम के कहने पर अब एक ऑटो रिक्शा का चालक शुरू कर देता है, जिससे उसकी दोस्ती तब पहली बार दिल्ली में हुई थी। एक इंसान के रूप में वह उसका काफ़ी सम्मान करता है और प्रीतम ने उसकी मदद के लिए की थी जब उसका कोई भी ठेर ठिकावा नहीं था। पत्राचार के दौरान कुछ महीने पहले आरती ने दीपक को एक ऊनी स्वेटर को भी भेजा हुआ था
जिस पर रोशनी का दिया बना है। जब आरती दिल्ली पहुंचती है तो वह दीपक के पते पर उसे तलाशती है और उम्मीद करती है कि वह उसे मिल सके, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सिर्फ तुम इस मूवी की कहानी शुरू होगी जहां पर दीपक राय, जिसमें इसमें संजय कपूर है, दीपक राय को एक अनजाना पर्स मिल रहा है जिसमें आरती नामक की एक महिलाओं के कई सारे शैक्षणिक पत्र, महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स और उसके लिए कुछ अनावश्यक चीज़ें रखी थी। उसे पता चलता है कि यह महिला नेतीवाल में अपना जीवन व्यतीत करती है। दीपक राय उस पर्स को बिना खोले और बिना उसमें से कोई चीज़ उठाए ही उस पर्स को नैतियाल में भेजने का और वह सामान उसके पास भेजने का फैसला करता है। वह पत्र के द्वारा फिर से जो सामान उसे पर्स के तौर पर मिला था वह उसे पीछे भेज देता है। इसमें पत्रों के माध्यम से उन दोनों के बीच में ही एक अस्थाई पत्राचार शुरू होता है जिसमें आरती की महत्वपूर्ण कागज़ पत्र उसे मिलने की वजह से वह काफ़ी खुश है। वह दीपक के लिए एक धन्यवाद पत्र का भेजती है जिसके बाद उन्हें एक दूसरे के साथ पत्र का व्यवहार करना शुरू करना है। फिल्म की कहानी दिन ब दिन आगे बढ़ती है जहां पर दोनों के पत्र व्यवहार से भले ही एक दूसरे को यह दोनों जोड़ा जानता नहीं था और ना ही एक दूसरे को उन्होंने आपस में कभी देखा था ना मिले थे, लेकिन दोनों के ही तरफ एक दूसरे का जो आकर्षण है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है। पत्र व्यवहार से उनके आकर्षण को बढ़ावा मिलता है। आरती की बहन और देवल निर्मल कुछ हद तक उनका अब धीरे धीरे हौसला भी बढ़ाना शुरू करते हैं, जबकि निर्मल ने तो यह भी सुझाव दिया था कि यह जो भी कर रही हो वो गलत है, तुम अपने ही पड़ोस के एक प्रसिद्ध युवा व्यवसायी और व्यवसाय साझेदार जिसका नाम प्रेम है उससे शादी कर लो। इसमें प्रेम की भूमिका में सलमान खान नजर आते हैं। सलमान खान ने फिल्म में प्रेम की भूमिका में एक महत्वपूर्ण अभिनय निभाया हुआ भी नजर आता है, जिन्हें सिर्फ प्रेम के तौर पर ही फिल्म में दिखाया जाता है। बाद में उन्हें इस फिल्म से हटा दिया जाता है। बात करते हैं कहानी से जुड़ी कुछ अन्य हिस्सों की, जहां पर उसकी बहन, बड़ी बहन आरती के लिए यह कहते हुए कि तुम अपना जीवन साथी खुद चुनो। एक दिन आरती दीपक को यह बताए बिना ही वह उसे ढूंढने और खोजने की तलाश में निकल पड़ती है, क्योंकि वह दीपक को गिफ्ट और साथ ही सरप्राइज देने का फैसला करती है। वह दीपक से कोई भी वार्तालाप न करते हुए दीपक को खोज करने के लिए उसके यहाँ जाने का फैसला करती है, क्योंकि उसे सिर्फ यही पता है कि वह दिल्ली में रहता है, तो वह फिलहाल दिल्ली में आ रही है क्योंकि उसकी बॉस नेहा के साथ अस्थायी तौर पर उसकी नौकरी चल रही है और वह उसके यहाँ वह नौकरी करती है। मामलों की मदद नहीं कर रही नेहा है जो दीपक की एक बॉस है, लेकिन बॉस से अधिक वह दीपक की तरफ काफ़ी रोमांटिक है और रोमांटिक इस तरह से है कि वह दीपक से प्यार करती है, लेकिन दीपक उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता। उसका दिल सिर्फ आरती के लिए धड़कता है और वह सिर्फ आरती से ही प्यार करता है। कई बार इस तरह के झगड़े होने के चलते अब वह इस्तीफा देने को तैयार है और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपने दोस्त प्रीतम के कहने पर अब एक ऑटो रिक्शा का चालक शुरू कर देता है, जिससे उसकी दोस्ती तब पहली बार दिल्ली में हुई थी। एक इंसान के रूप में वह उसका काफ़ी सम्मान करता है और प्रीतम ने उसकी मदद के लिए की थी जब उसका कोई भी ठेर ठिकावा नहीं था। पत्राचार के दौरान कुछ महीने पहले आरती ने दीपक को एक ऊनी स्वेटर को भी भेजा हुआ था जिस पर रोशनी का दिया बना है। जब आरती दिल्ली पहुंचती है तो वह दीपक के पते पर उसे तलाशती है और उम्मीद करती है कि वह उसे मिल सके, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सिर्फ तुम इस मूवी की कहानी शुरू होगी जहां पर दीपक राय, जिसमें इसमें संजय कपूर है, दीपक राय को एक अनजाना पर्स मिल रहा है जिसमें आरती नामक की एक महिलाओं के कई सारे शैक्षणिक पत्र, महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स और उसके लिए कुछ अनावश्यक चीज़ें रखी थी। उसे पता चलता है कि यह महिला नेतीवाल में
अपना जीवन व्यतीत करती है। दीपक राय उस पर्स को बिना खोले और बिना उसमें से कोई चीज़ उठाए ही उस पर्स को नैनीताल में भेजने का और वह सामान उसके पास भेजने का फैसला करता है। वह पत्र के द्वारा फिर से जो सामान उसे पर्स के तौर पर मिला था वह उसे पीछे भेज देता है। इसमें पत्रों के माध्यम से उन दोनों के बीच में ही एक अस्थाई पत्राचार शुरू होता है, जिसमें आरती की महत्वपूर्ण कागज़ पत्र उसे मिलने की वजह से वह काफ़ी खुश है। वह दीपक के लिए एक धन्यवाद पत्र का भेजती है, जिसके बाद उन्हें एक दूसरे के साथ पत्र का व्यवहार करना शुरू करना है। फिल्म की कहानी दिन ब दिन आगे बढ़ती है, जहाँ पर दोनों के पत्र व्यवहार से भले ही एक दूसरे को यह दोनों जोड़ा जानता नहीं था और ना ही एक दूसरे को उन्होंने आपस में कभी देखा था ना मिले थे, लेकिन दोनों की ही तरफ एक दूसरे का जो आकर्षण है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है। पत्र व्यवहार से उनके आकर्षण को बढ़ावा मिलता है। आरती की बहन और देवल निर्मल कुछ हद तक उनका अब धीरे धीरे हौसला भी बढ़ाना शुरू करते हैं, जबकि निर्मल ने तो यह भी सुझाव दिया था कि यह जो भी कर रही हो वो गलत है, तुम अपने ही पड़ोस के एक प्रसिद्ध युवा व्यवसायी और व्यवसाय साझेदार जिसका नाम प्रेम है उससे शादी कर लो। इसमें प्रेम की भूमिका में सलमान खान नजर आते हैं। सलमान खान ने फिल्म में प्रेम की भूमिका में एक महत्वपूर्ण अभिनय निभाया हुआ भी नज़र आता है, जिन्हें सिर्फ प्रेम के तौर पर ही फिल्म में दिखाया जाता है। बाद में उन्हें इस फिल्म से हटा दिया जाता है। बात करते हैं कहानी से जुड़ी कुछ अन्य हिस्सों की, जहाँ पर उसकी बहन बड़ी बहन आरती के लिए यह कहते हुए कि तुम अपना जीवन साथी खुद चुनो। एक दिन आरती दीपक को यह बताए बिना ही वह उसे ढूंढने और खोजने की तलाश में निकल पड़ती है, क्योंकि वह दीपक को गिफ्ट और साथ ही सरप्राइज देने का फैसला करती है। वह दीपक से कोई भी वार्तालाप न करते हुए दीपक को खोज करने के लिए उसके यहाँ जाने का फैसला करती है, क्योंकि उसे सिर्फ यही पता है कि वह दिल्ली में रहता है, तो वह फिलहाल दिल्ली में आ रही है क्योंकि उसकी बॉस नेहा के साथ अस्थायी तौर पर उसकी नौकरी चल रही है और वह उसके यहाँ वह नौकरी करती है। मामलों की मदद नहीं कर रही नेहा है, जो दीपक की एक बॉस है, लेकिन बॉस से अधिक वह दीपक की तरफ काफ़ी रोमांटिक है और रोमांटिक इस तरह से है कि वह दीपक से प्यार करती है, लेकिन दीपक उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता। उसका दिल सिर्फ आरती के लिए धड़कता है और वह सिर्फ आरती से ही प्यार करता है। कई बार इस तरह के झगड़े होने के चलते अब वह इस्तीफा देने को तैयार है और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपने दोस्त प्रीतम के कहने पर अब एक ऑटो रिक्शा का चालक शुरू कर देता है, जिससे उसकी दोस्ती तब पहली बार दिल्ली में हुई थी। एक इंसान के रूप में वह उसका काफ़ी सम्मान करता है और प्रीतम ने उसकी मदद के लिए की थी जब उसका कोई भी ठेर ठिकावा नहीं था। पत्राचार के दौरान कुछ महीने पहले आरती ने दीपक को एक ऊनी स्वेटर को भी भेजा हुआ था जिस पर रोशनी का दिया बना है। जब आरती दिल्ली पहुंचती है तो वह दीपक के पते पर उसे तलाशती है और उम्मीद करती है कि वह उसे मिल सके, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सिर्फ तुम इस मूवी की कहानी शुरू होगी, जहां पर दीपक राय जिसमें इसमें संजय कपूर है, दीपक राय को एक अनजाना पर्स मिल रहा है जिसमें आरती नामक की एक महिलाओं के कई सारे शैक्षणिक पत्र, महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स और उसके लिए कुछ अनावश्यक चीज़ें रखी थी। उसे पता चलता है कि यह महिला नैनीताल में अपना जीवन व्यतीत करती है। दीपक राय उस पर्स को बिना खोले और बिना उसमें से कोई चीज़ उठाए ही उस पर्स को नैनीताल में भेजने का और वह सामान उसके पास भेजने का फैसला करता है। वह पत्र के द्वारा फिर से जो सामान उसे पर्स के तौर पर मिला था वह उसे पीछे भेज देता है। इसमें पत्रों के माध्यम से उन दोनों के बीच में ही एक अस्थाई पत्राचार शुरू होता है, जिसमें आरती की महत्वपूर्ण कागज़ पत्र उसे मिलने की वजह से वह काफ़ी खुश है। वह
दीपक के लिए एक धन्यवाद पत्र का भेजती है, जिसके बाद उन्हें एक दूसरे के साथ पत्र का व्यवहार करना शुरू करना है। फिल्म की कहानी दिन ब दिन आगे बढ़ती है, जहाँ पर दोनों के पत्र व्यवहार से भले ही एक दूसरे को यह दोनों जोड़ा जानता नहीं था और ना ही एक दूसरे को उन्होंने आपस में कभी देखा था ना मिले थे, लेकिन दोनों के ही तरफ एक दूसरे का जो आकर्षण है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है। पत्र व्यवहार से उनके आकर्षण को बढ़ावा मिलता है। आरती की बहन और देवल निर्मल कुछ हद तक उनका अब धीरे धीरे हौसला भी बढ़ाना शुरू करते हैं, जबकि निर्मल ने तो यह भी सुझाव दिया था कि यह जो भी कर रही हो वो गलत है, तुम अपने ही पड़ोस के एक प्रसिद्ध युवा व्यवसायी और व्यवसाय साझेदार जिसका नाम प्रेम है उससे शादी कर लो। इसमें प्रेम की भूमिका में सलमान खान नजर आते हैं। सलमान खान ने फिल्म में प्रेम की भूमिका में एक महत्वपूर्ण अभिनय निभाया हुआ भी नजर आता है, जिन्हें सिर्फ प्रेम के तौर पर ही फिल्म में दिखाया जाता है, बाद में उन्हें इस फिल्म से हटा दिया जाता है। बात करते हैं कहानी से जुड़ी कुछ अन्य हिस्सों की, जहाँ पर उसकी बहन बड़ी बहन आरती के लिए यह कहते हुए कि तुम अपना जीवन साथी खुद चुनो। एक दिन आरती दीपक को यह बताए बिना ही वह उसे ढूंढने और खोजने की तलाश में निकल पड़ती है, क्योंकि वह दीपक को गिफ्ट और साथ ही सरप्राइज देने का फैसला करती है। वह दीपक से कोई भी वार्तालाप न करते हुए दीपक को खोज करने के लिए उसके यहाँ जाने का फैसला करती है, क्योंकि उसे सिर्फ यही पता है कि वह दिल्ली में रहता है, तो वह फिलहाल दिल्ली में आ रही है क्योंकि उसकी बॉस नेहा के साथ अस्थायी तौर पर उसकी नौकरी चल रही है और वह उसके यहाँ वह नौकरी करती है। मामलों की मदद नहीं कर रही नेहा है, जो दीपक की एक बॉस है, लेकिन बॉस से अधिक वह दीपक की तरफ काफ़ी रोमांटिक है और रोमांटिक इस तरह से है कि वह दीपक से प्यार करती है, लेकिन दीपक उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता। उसका दिल सिर्फ आरती के लिए धड़कता है और वह सिर्फ आरती से ही प्यार करता है। कई बार इस तरह के झगड़े होने के चलते अब वह इस्तीफा देने को तैयार है और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपने दोस्त प्रीतम के कहने पर अब एक ऑटो रिक्शा का चालक शुरू कर देता है, जिससे उसकी दोस्ती तब पहली बार दिल्ली में हुई थी। एक इंसान के रूप में वह उसका काफ़ी सम्मान करता है और प्रीतम ने उसकी मदद के लिए की थी जब उसका कोई भी ठेर ठिकावा नहीं था। पत्राचार के दौरान कुछ महीने पहले आरती ने दीपक को एक ऊनी स्वेटर को भी भेजा हुआ था, जिस पर रोशनी का दिया बना है। जब आरती दिल्ली पहुंचती है तो वह दीपक के पते पर उसे तलाशती है और उम्मीद करती है कि वह उसे मिल सके, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सिर्फ तुम इस मूवी की कहानी शुरू होगी, जहां पर दीपक राय, जिसमें इसमें संजय कपूर है, दीपक राय को एक अनजाना पर्स मिल रहा है जिसमें आरती नामक की एक महिलाओं के कई सारे शैक्षणिक पत्र, महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स और उसके लिए कुछ अनावश्यक चीज़ें रखी थी। उसे पता चलता है कि यह महिला नेतीवाल में अपना जीवन व्यतीत करती है। दीपक राय उस पर्स को बिना खोले और बिना उसमें से कोई चीज़ उठाए ही उस पर्स को नैतियाल में भेजने का और वह सामान उसके पास भेजने का फैसला करता है। वह पत्र के द्वारा फिर से जो सामान उसे पर्स के तौर पर मिला था वह उसे पीछे भेज देता है। इसमें पत्रों के माध्यम से उन दोनों के बीच में ही एक अस्थायी पत्राचार शुरू होता है, जिसमें आरती की महत्वपूर्ण कागज़ पत्र उसे मिलने की वजह से वह काफ़ी खुश है। वह दीपक के लिए एक धन्यवाद पत्र का भेजती है, जिसके बाद उन्हें एक दूसरे के साथ पत्र का व्यवहार करना शुरू करना है। फिल्म की कहानी दिन ब दिन आगे बढ़ती है, जहां पर दोनों के पत्र व्यवहार से भले ही एक दूसरे को यह दोनों जोड़ा जानता नहीं था और ना ही एक दूसरे को उन्होंने आपस में कभी देखा था ना मिले थे, लेकिन दोनों के ही तरफ एक दूसरे का जो आकर्षण है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है। पत्र व्यवहार से उनके आकर्षण को बढ़ावा मिलता है। आरती की बहन और देवल निर्मल
कुछ हद तक उनका अब धीरे धीरे हौसला भी बढ़ाना शुरू करते हैं। जबकि निर्मल ने तो यह भी सुझाव दिया था कि यह जो भी कर रही हो वो गलत है, तुम अपने ही पड़ोस के एक प्रसिद्ध युवा व्यवसायी और व्यवसाय साझेदार जिसका नाम प्रेम है उससे शादी कर लो। इसमें प्रेम की भूमिका में सलमान खान नजर आते हैं। सलमान खान ने फिल्म में प्रेम की भूमिका में एक महत्वपूर्ण अभिनय निभाया हुआ भी नजर आता है, जिन्हें सिर्फ प्रेम के तौर पर ही फिल्म में दिखाया जाता है। बाद में उन्हें इस फिल्म से हटा दिया जाता है। बात करते हैं कहानी से जुड़ी कुछ अन्य हिस्सों की, जहाँ पर उसकी बहन बड़ी बहन आरती के लिए यह कहते हुए कि तुम अपना जीवन साथी खुद चुने। एक दिन आरती दीपक को यह बताए बिना ही वह उसे ढूंढने और खोजने की तलाश में निकल पड़ती है, क्योंकि वह दीपक को गिफ्ट और साथ ही सरप्राइज देने का फैसला करती है। वह दीपक से कोई भी वार्तालाप न करते हुए दीपक को खोज करने के लिए उसके यहाँ जाने का फैसला करती है, क्योंकि उसे सिर्फ यही पता है कि वह दिल्ली में रहता है। तो वह फिलहाल दिल्ली में आ रही है क्योंकि उसकी बॉस नेहा के साथ अस्थायी तौर पर उसकी नौकरी चल रही है और वह उसके यहाँ वह नौकरी करती है। मामलों की मदद नहीं कर रही नेहा है, जो दीपक की एक बॉस है, लेकिन बॉस से अधिक वह दीपक की तरफ काफ़ी रोमांटिक है और रोमांटिक इस तरह से है कि वह दीपक से प्यार करती है, लेकिन दीपक उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता। उसका दिल सिर्फ आरती के लिए धड़कता है और वह सिर्फ आरती से ही प्यार करता है। कई बार इस तरह के झगड़े होने के चलते अब वह इस्तीफा देने को तैयार है और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपने दोस्त प्रीतम के कहने पर अब एक ऑटो रिक्शा का चालक शुरू कर देता है, जिससे उसकी दोस्ती तब पहली बार दिल्ली में हुई थी। एक इंसान के रूप में वह उसका काफ़ी सम्मान करता है और प्रीतम ने उसकी मदद के लिए की थी जब उसका कोई भी ठेर ठिकावा नहीं था। पत्राचार के दौरान कुछ महीने पहले आरती ने दीपक को एक ऊनी स्वेटर को भी भेजा हुआ था जिस पर रोशनी का दिया बना है। जब आरती दिल्ली पहुंचती है तो वह दीपक के पते पर उसे तलाशती है और उम्मीद करती है कि वह उसे मिल सके का, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सिर्फ तुम इस मूवी की कहानी शुरू होगी, जहां पर दीपक राय जिसमें इसमें संजय कपूर है, दीपक राय को एक अनजाना पर्स मिल रहा है जिसमें आरती नामक की एक महिलाओं के कई सारे शैक्षणिक पत्र, महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स और उसके लिए कुछ अनावश्यक चीज़ें रखी थी। उसे पता चलता है कि यह महिला नेतीवाल में अपना जीवन व्यतीत करती है। दीपक राय उस पर्स को बिना खोले और बिना उसमें से कोई चीज़ उठाए ही उस पर्स को नैतियाल में भेजने का और वह सामान उसके पास भेजने का फैसला करता है। वह पत्र के द्वारा फिर से जो सामान उसे पर्स के तौर पर मिला था वह उसे पीछे भेज देता है। इसमें पत्रों के माध्यम से उन दोनों के बीच में ही एक अस्थाई पत्राचार शुरू होता है जिसमें आरती की महत्वपूर्ण कागज़ पत्र उसे मिलने की वजह से वह काफ़ी खुश है। वह दीपक के लिए एक धन्यवाद पत्र का भेजती है जिसके बाद उन्हें एक दूसरे के साथ पत्र का व्यवहार करना शुरू करना है। फिल्म की कहानी दिन ब दिन आगे बढ़ती है जहां पर दोनों के पत्र व्यवहार से भले ही एक दूसरे को यह दोनों जोड़ा जानता नहीं था और ना ही एक दूसरे को उन्होंने आपस में कभी देखा था ना मिले थे, लेकिन दोनों के ही तरफ एक दूसरे का जो आकर्षण है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है। पत्र व्यवहार से उनके आकर्षण को बढ़ावा मिलता है। आरती की बहन और देवल निर्मल कुछ हद तक उनका अब धीरे धीरे हौसला भी बढ़ाना शुरू करते हैं। जबकि निर्मल ने तो यह भी सुझाव दिया था कि यह जो भी कर रही हो वो गलत है, तुम अपने ही पड़ोस के एक प्रसिद्ध युवा व्यवसायी और व्यवसाय साझेदार जिसका नाम प्रेम है उससे शादी कर लो। इसमें प्रेम की भूमिका में सलमान खान नजर आते हैं। सलमान खान ने फिल्म में प्रेम की भूमिका में एक महत्वपूर्ण अभिनय निभाया हुआ भी नजर आता है, जिन्हें सिर्फ प्रेम के तौर पर ही फिल्म में दिखाया जाता है। बाद में उन्हें इस फिल्म से हटा दिया जाता है।
बात करते हैं कहानी से जुड़ी कुछ अन्य हिस्सों की, जहाँ पर उसकी बहन बड़ी बहन आरती के लिए यह कहते हुए कि तुम अपना जीवन साथी खुद चुनो। एक दिन आरती दीपक को यह बताए बिना ही वह उसे ढूंढने और खोजने की तलाश में निकल पड़ती है, क्योंकि वह दीपक को गिफ्ट और साथ ही सरप्राइज देने का फैसला करती है। वह दीपक से कोई भी वार्तालाप न करते हुए दीपक को खोज करने के लिए उसके यहाँ जाने का फैसला करती है, क्योंकि उसे सिर्फ यही पता है कि वह दिल्ली में रहता है। तो वह फिलहाल दिल्ली में आ रही है क्योंकि उसकी बॉस नेहा के साथ अस्थायी तौर पर उसकी नौकरी चल रही है और वह उसके यहाँ वह नौकरी करती है। मामलों की मदद नहीं कर रही नेहा है, जो दीपक की एक बॉस है, लेकिन बॉस से अधिक वह दीपक की तरफ काफ़ी रोमांटिक है, और रोमांटिक इस तरह से है कि वह दीपक से प्यार करती है, लेकिन दीपक उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता। उसका दिल सिर्फ आरती के लिए धड़कता है और वह सिर्फ आरती से ही प्यार करता है। कई बार इस तरह के झगड़े होने के चलते अब वह इस्तीफा देने को तैयार है और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपने दोस्त प्रीतम के कहने पर अब एक ऑटो रिक्शा का चालक शुरू कर देता है, जिससे उसकी दोस्ती तब पहली बार दिल्ली में हुई थी। एक इंसान के रूप में वह उसका काफ़ी सम्मान करता है और प्रीतम ने उसकी मदद के लिए की थी जब उसका कोई भी ठेर ठिकावा नहीं था। पत्राचार के दौरान कुछ महीने पहले आरती ने दीपक को एक ऊनी स्वेटर को भी भेजा हुआ था, जिस पर रोशनी का दिया बना है। जब आरती दिल्ली पहुंचती है तो वह दीपक के पते पर उसे तलाशती है और उम्मीद करती है कि वह उसे मिल सके था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सिर्फ तुम इस मूवी की कहानी शुरू होगी, जहां पर दीपक राय, जिसमें इसमें संजय कपूर है, दीपक राय को एक अनजाना पर्स मिल रहा है जिसमें आरती नामक की एक महिलाओं के कई सारे शैक्षणिक पत्र, महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स और उसके लिए कुछ अनावश्यक चीज़ें रखी थी। उसे पता चलता है कि यह महिला नैतीवाल में अपना जीवन व्यतीत करती है। दीपक राय उस पर्स को बिना खोले और बिना उसमें से कोई चीज़ उठाए ही उस पर्स को नैतीवाल में भेजने का और वह सामान उसके पास भेजने का फैसला करता है। वह पत्र के द्वारा फिर से जो सामान उसे पर्स के तौर पर मिला था वह उसे पीछे भेज देता है। इसमें पत्रों के माध्यम से उन दोनों के बीच में ही एक अस्थायी पत्राचार शुरू होता है, जिसमें आरती की महत्वपूर्ण कागज़ पत्र उसे मिलने की वजह से वह काफ़ी खुश है। वह दीपक के लिए एक धन्यवाद पत्र का भेजती है, जिसके बाद उन्हें एक दूसरे के साथ पत्र का व्यवहार करना शुरू करना है। फिल्म की कहानी दिन ब दिन आगे बढ़ती है, जहां पर दोनों के पत्र व्यवहार से भले ही एक दूसरे को यह दोनों जोड़ा जानता नहीं था और ना ही एक दूसरे को उन्होंने आपस में कभी देखा था ना मिले थे, लेकिन दोनों के ही तरफ एक दूसरे का जो आकर्षण है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है। पत्र व्यवहार से उनके आकर्षण को बढ़ावा मिलता है। आरती की बहन और देवल निर्मल कुछ हद तक उनका अब धीरे धीरे हौसला भी बढ़ाना शुरू करते हैं, जबकि निर्मल ने तो यह भी सुझाव दिया था कि यह जो भी कर रही हो वो गलत है, तुम अपने ही पड़ोस के एक प्रसिद्ध युवा व्यवसायी और व्यवसाय साझेदार जिसका नाम प्रेम है उससे शादी कर लो। इसमें प्रेम की भूमिका में सलमान खान नजर आते हैं। सलमान खान ने फिल्म में प्रेम की भूमिका में एक महत्वपूर्ण अभिनय निभाया हुआ भी नज़र आता है, जिन्हें सिर्फ प्रेम के तौर पर ही फिल्म में दिखाया जाता है। बाद में उन्हें इस फिल्म से हटा दिया जाता है। बात करते हैं कहानी से जुड़ी कुछ अन्य हिस्सों की, जहां पर उसकी बहन बड़ी बहन आरती के लिए यह कहते हुए कि तुम अपना जीवन साथी खुद चुनो। एक दिन आरती दीपक को यह बताए बिना ही वह उसे ढूंढने और खोजने की तलाश में निकल पड़ती है, क्योंकि वह दीपक को गिफ्ट और साथ ही सरप्राइज देने का फैसला करती है। वह दीपक से कोई भी वार्तालाप न करते हुए दीपक को खोज करने के लिए उसके यहाँ जाने का फैसला करती है, क्योंकि उसे सिर्फ यही पता है कि वह दिल्ली में रहता है।
तो वह फिलहाल दिल्ली में आ रही है, क्योंकि उसकी बॉस नेहा के साथ अस्थायी तौर पर उसकी नौकरी चल रही है और वह उसके यहाँ वह नौकरी करती है। मामलों की मदद नहीं कर रही नेहा है, जो दीपक की एक बॉस है, लेकिन बॉस से अधिक वह दीपक की तरफ काफ़ी रोमांटिक है, और रोमांटिक इस तरह से है कि वह दीपक से प्यार करती है, लेकिन दीपक उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता। उसका दिल सिर्फ आरती के लिए धड़कता है और वह सिर्फ आरती से ही प्यार करता है। कई बार इस तरह के झगड़े होने के चलते अब वह इस्तीफा देने को तैयार है और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपने दोस्त प्रीतम के कहने पर अब एक ऑटो रिक्शा का चालक शुरू कर देता है, जिससे उसकी दोस्ती तब पहली बार दिल्ली में हुई थी। एक इंसान के रूप में वह उसका काफ़ी सम्मान करता है और प्रीतम ने उसकी मदद के लिए की थी जब उसका कोई भी ठेर ठिकावा नहीं था। पत्राचार के दौरान कुछ महीने पहले आरती ने दीपक को एक ऊनी स्वेटर को भी भेजा हुआ था, जिस पर रोशनी का दिया बना है। जब आरती दिल्ली पहुंचती है तो वह दीपक के पते पर उसे तलाशती है और उम्मीद करती है कि वह उसे मिल सके, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सिर्फ तुम इस मूवी की कहानी शुरू होगी, जहां पर दीपक राय, जिसमें इसमें संजय कपूर है, दीपक राय को एक अनजाना पर्स मिल रहा है, जिसमें आरती नामक की एक महिलाओं के कई सारे शैक्षणिक पत्र, महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स और उसके लिए कुछ अनावश्यक चीज़ें रखी थी। उसे पता चलता है कि यह महिला नैनीताल में अपना जीवन व्यतीत करती है। दीपक राय उस पर्स को बिना खोले और बिना उसमें से कोई चीज़ उठाए ही उस पर्स को नैनीताल में भेजने का और वह सामान उसके पास भेजने का फैसला करता है। वह पत्र के द्वारा फिर से जो सामान उसे पर्स के तौर पर मिला था वह उसे पीछे भेज देता है। इसमें पत्रों के माध्यम से उन दोनों के बीच में ही एक अस्थायी पत्राचार शुरू होता है, जिसमें आरती की महत्वपूर्ण कागज़ पत्र उसे मिलने की वजह से वह काफ़ी खुश है। वह दीपक के लिए एक धन्यवाद पत्र का भेजती है, जिसके बाद उन्हें एक दूसरे के साथ पत्र का व्यवहार करना शुरू करना है। फिल्म की कहानी दिन ब दिन आगे बढ़ती है, जहां पर दोनों के पत्र व्यवहार से भले ही एक दूसरे को यह दोनों जोड़ा जानता नहीं था और ना ही एक दूसरे को उन्होंने आपस में कभी देखा था ना मिले थे, लेकिन दोनों के ही तरफ एक दूसरे का जो आकर्षण है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है। पत्र व्यवहार से उनके आकर्षण को बढ़ावा मिलता है। आरती की बहन और देवल निर्मल कुछ हद तक उनका अब धीरे धीरे हौसला भी बढ़ाना शुरू करते हैं, जबकि निर्मल ने तो यह भी सुझाव दिया था कि यह जो भी कर रही हो वो गलत है, तुम अपने ही पड़ोस के एक प्रसिद्ध युवा व्यवसायी और व्यवसाय साझेदार जिसका नाम प्रेम है उससे शादी कर लो। इसमें प्रेम की भूमिका में सलमान खान नजर आते हैं। सलमान खान ने फिल्म में प्रेम की भूमिका में एक महत्वपूर्ण अभिनय निभाया हुआ भी नज़र आता है, जिन्हें सिर्फ प्रेम के तौर पर ही फिल्म में दिखाया जाता है। बाद में उन्हें इस फिल्म से हटा दिया जाता है। बात करते हैं कहानी से जुड़ी कुछ अन्य हिस्सों की, जहाँ पर उसकी बहन, बड़ी बहन आरती के लिए यह कहते हुए कि तुम अपना जीवन साथी खुद चुनो। एक दिन आरती दीपक को यह बताए बिना ही वह उसे ढूंढने और खोजने की तलाश में निकल पड़ती है, क्योंकि वह दीपक को गिफ्ट और साथ ही सरप्राइज देने का फैसला करती है। वह दीपक से कोई भी वार्तालाप न करते हुए दीपक को खोज करने के लिए उसके यहाँ जाने का फैसला करती है, क्योंकि उसे सिर्फ यही पता है कि वह दिल्ली में रहता है, तो वह फिलहाल दिल्ली में आ रही है, क्योंकि उसकी बॉस नेहा के साथ अस्थायी तौर पर उसकी नौकरी चल रही है और वह उसके यहाँ वह नौकरी करती है। मामलों की मदद नहीं कर रही नेहा है, जो दीपक की एक बॉस है, लेकिन बॉस से अधिक वह दीपक की तरफ काफ़ी रोमांटिक है, और रोमांटिक इस तरह से है कि वह दीपक से प्यार करती है, लेकिन दीपक उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता। उसका दिल सिर्फ आरती के लिए धड़कता है और वह सिर्फ आरती से ही प्यार करता है। कई बार
इस तरह के झगड़े होने के चलते अब वह इस्तीफा देने को तैयार है और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपने दोस्त प्रीतम के कहने पर अब एक ऑटो रिक्शा का चालक शुरू कर देता है, जिससे उसकी दोस्ती तब पहली बार दिल्ली में हुई थी। एक इंसान के रूप में वह उसका काफ़ी सम्मान करता है और प्रीतम ने उसकी मदद के लिए की थी जब उसका कोई भी ठेर ठिकावा नहीं था। पत्राचार के दौरान कुछ महीने पहले आरती ने दीपक को एक ऊनी स्वेटर को भी भेजा हुआ था जिस पर रोशनी का दिया बना है। जब आरती दिल्ली पहुंचती है तो वह दीपक के पते पर उसे तलाशती है और उम्मीद करती है कि वह उसे मिल सके था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सिर्फ तुम इस मूवी की कहानी शुरू होगी जहां पर दीपक राय, जिसमें इसमें संजय कपूर है, दीपक राय को एक अनजाना पर्स मिल रहा है जिसमें आरती नामक की एक महिलाओं के कई सारे शैक्षणिक पत्र, महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स और उसके लिए कुछ अनावश्यक चीज़ें रखी थी। उसे पता चलता है कि यह महिला नेतीवाल में अपना जीवन व्यतीत करती है। दीपक राय उस पर्स को बिना खोले और बिना उसमें से कोई चीज़ उठाए ही उस पर्स को नैतियाल में भेजने का और वह सामान उसके पास भेजने का फैसला करता है। वह पत्र के द्वारा फिर से जो सामान उसे पर्स के तौर पर मिला था वह उसे पीछे भेज देता है। इसमें पत्रों के माध्यम से उन दोनों के बीच में ही एक अस्थाई पत्राचार शुरू होता है जिसमें आरती की महत्वपूर्ण कागज़ पत्र उसे मिलने की वजह से वह काफ़ी खुश है। वह दीपक के लिए एक धन्यवाद पत्र का भेजती है जिसके बाद उन्हें एक दूसरे के साथ पत्र का व्यवहार करना शुरू करना है। फिल्म की कहानी दिन ब दिन आगे बढ़ती है जहां पर दोनों के पत्र व्यवहार से भले ही एक दूसरे को यह दोनों जोड़ा जानता नहीं था और ना ही एक दूसरे को उन्होंने आपस में कभी देखा था ना मिले थे, लेकिन दोनों के ही तरफ एक दूसरे का जो आकर्षण है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है। पत्र व्यवहार से उनके आकर्षण को बढ़ावा मिलता है। आरती की बहन और देवल निर्मल कुछ हद तक उनका अब धीरे धीरे हौसला भी बढ़ाना शुरू करते हैं, जबकि निर्मल ने तो यह भी सुझाव दिया था कि यह जो भी कर रही हो वो गलत है, तुम अपने ही पड़ोस के एक प्रसिद्ध युवा व्यवसायी और व्यवसाय साझेदार जिसका नाम प्रेम है उससे शादी कर लो। इसमें प्रेम की भूमिका में सलमान खान नजर आते हैं। सलमान खान ने फिल्म में प्रेम की भूमिका में एक महत्वपूर्ण अभिनय निभाया हुआ भी नज़र आता है, जिन्हें सिर्फ प्रेम के तौर पर ही फिल्म में दिखाया जाता है। बाद में उन्हें इस फिल्म से हटा दिया जाता है। बात करते हैं कहानी से जुड़ी कुछ अन्य हिस्सों की, जहां पर उसकी बहन, बड़ी बहन आरती के लिए यह कहते हुए कि तुम अपना जीवन साथी खुद चुनो। एक दिन आरती दीपक को यह बताए बिना ही वह उसे ढूंढने और खोजने की तलाश में निकल पड़ती है, क्योंकि वह दीपक को गिफ्ट और साथ ही सरप्राइज देने का फैसला करती है। वह दीपक से कोई भी वार्तालाप न करते हुए दीपक को खोज करने के लिए उसके यहाँ जाने का फैसला करती है, क्योंकि उसे सिर्फ यही पता है कि वह दिल्ली में रहता है, तो वह फिलहाल दिल्ली में आ रही है क्योंकि उसकी बॉस नेहा के साथ अस्थायी तौर पर उसकी नौकरी चल रही है और वह उसके यहाँ वह नौकरी करती है। मामलों की मदद नहीं कर रही नेहा है जो दीपक की एक बॉस है, लेकिन बॉस से अधिक वह दीपक की तरफ काफ़ी रोमांटिक है और रोमांटिक इस तरह से है कि वह दीपक से प्यार करती है, लेकिन दीपक उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता। उसका दिल सिर्फ आरती के लिए धड़कता है और वह सिर्फ आरती से ही प्यार करता है। कई बार इस तरह के झगड़े होने के चलते अब वह इस्तीफा देने को तैयार है और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपने दोस्त प्रीतम के कहने पर अब एक ऑटो रिक्शा का चालक शुरू कर देता है, जिससे उसकी दोस्ती तब पहली बार दिल्ली में हुई थी। एक इंसान के रूप में वह उसका काफ़ी सम्मान करता है और प्रीतम ने उसकी मदद के लिए की थी जब उसका कोई भी ठेर ठिकावा नहीं था। पत्राचार के दौरान कुछ महीने पहले आरती ने दीपक को एक ऊनी स्वेटर को भी भेजा हुआ था
जिस पर रोशनी का दिया बना है। जब आरती दिल्ली पहुंचती है तो वह दीपक के पते पर उसे तलाशती है और उम्मीद करती है कि वह उसे मिल सकेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सिर्फ तुम इस मूवी की कहानी शुरू होगी जहां पर दीपक राय, जिसमें इसमें संजय कपूर है, दीपक राय को एक अनजाना पर्स मिल रहा है जिसमें आरती नामक की एक महिलाओं के कई सारे शैक्षणिक पत्र, महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स और उसके लिए कुछ अनावश्यक चीज़ें रखी थी। उसे पता चलता है कि यह महिला नैनीताल में अपना जीवन व्यतीत करती है। दीपक राय उस पर्स को बिना खोले और बिना उसमें से कोई चीज़ उठाए ही उस पर्स को नैनीताल में भेजने का और वह सामान उसके पास भेजने का फैसला करता है। वह पत्र के द्वारा फिर से जो सामान उसे पर्स के तौर पर मिला था वह उसे पीछे भेज देता है। इसमें पत्रों के माध्यम से उन दोनों के बीच में ही एक अस्थाई पत्राचार शुरू होता है, जिसमें आरती की महत्वपूर्ण कागज़ पत्र उसे मिलने की वजह से वह काफ़ी खुश है। वह दीपक के लिए एक धन्यवाद पत्र का भेजती है, जिसके बाद उन्हें एक दूसरे के साथ पत्र का व्यवहार करना शुरू करना है। फिल्म की कहानी दिन ब दिन आगे बढ़ती है, जहां पर दोनों के पत्र व्यवहार से भले ही एक दूसरे को यह दोनों जोड़ा जानता नहीं था और ना ही एक दूसरे को उन्होंने आपस में कभी देखा था ना मिले थे, लेकिन दोनों की ही तरफ एक दूसरे का जो आकर्षण है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है। पत्र व्यवहार से उनके आकर्षण को बढ़ावा मिलता है। आरती की बहन और देवल निर्मल कुछ हद तक उनका अब धीरे धीरे हौसला भी बढ़ाना शुरू करते हैं, जबकि निर्मल ने तो यह भी सुझाव दिया था कि यह जो भी कर रही हो वो गलत है, तुम अपने ही पड़ोस के एक प्रसिद्ध युवा व्यवसायी और व्यवसाय साझेदार जिसका नाम प्रेम है उससे शादी कर लो। इसमें प्रेम की भूमिका में सलमान खान नजर आते हैं। सलमान खान ने फिल्म में प्रेम की भूमिका में एक महत्वपूर्ण अभिनय निभाया हुआ भी नज़र आता है, जिन्हें सिर्फ प्रेम के तौर पर ही फिल्म में दिखाया जाता है। बाद में उन्हें इस फिल्म से हटा दिया जाता है। बात करते हैं कहानी से जुड़ी कुछ अन्य हिस्सों की, जहां पर उसकी बहन, बड़ी बहन आरती के लिए यह कहते हुए कि तुम अपना जीवन साथी खुद चुनो। एक दिन आरती दीपक को यह बताए बिना ही वह उसे ढूंढने और खोजने की तलाश में निकल पड़ती है, क्योंकि वह दीपक को गिफ्ट और साथ ही सरप्राइज देने का फैसला करती है। वह दीपक से कोई भी वार्तालाप न करते हुए दीपक को खोज करने के लिए उसके यहाँ जाने का फैसला करती है, क्योंकि उसे सिर्फ यही पता है कि वह दिल्ली में रहता है, तो वह फिलहाल दिल्ली में आ रही है क्योंकि उसकी बॉस नेहा के साथ अस्थायी तौर पर उसकी नौकरी चल रही है और वह उसके यहाँ वह नौकरी करती है। मामलों की मदद नहीं कर रही नेहा है, जो दीपक की एक बॉस है, लेकिन बॉस से अधिक वह दीपक की तरफ काफ़ी रोमांटिक है और रोमांटिक इस तरह से है कि वह दीपक से प्यार करती है, लेकिन दीपक उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता। उसका दिल सिर्फ आरती के लिए धड़कता है और वह सिर्फ आरती से ही प्यार करता है। कई बार इस तरह के झगड़े होने के चलते अब वह इस्तीफा देने को तैयार है और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपने दोस्त प्रीतम के कहने पर अब एक ऑटो रिक्शा का चालक शुरू कर देता है, जिससे उसकी दोस्ती तब पहली बार दिल्ली में हुई थी। एक इंसान के रूप में वह उसका काफ़ी सम्मान करता है और प्रीतम ने उसकी मदद के लिए की थी जब उसका कोई भी ठेर ठिकावा नहीं था। पत्राचार के दौरान कुछ महीने पहले आरती ने दीपक को एक ऊनी स्वेटर को भी भेजा हुआ था, जिस पर रोशनी का दिया बना है। जब आरती दिल्ली पहुंचती है तो वह दीपक के पते पर उसे तलाशती है और उम्मीद करती है कि वह उसे मिल सकेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सिर्फ तुम इस मूवी की कहानी शुरू होगी जहां पर दीपक राय, जिसमें इसमें संजय कपूर है, दीपक राय को एक अनजाना पर्स मिल रहा है जिसमें आरती नामक की एक महिलाओं के कई सारे शैक्षणिक पत्र, महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स और उसके लिए कुछ अनावश्यक चीज़ें रखी थी। उसे पता चलता है कि यह महिला नैनीताल में
अपना जीवन व्यतीत करती है। दीपक राय उस पर्स को बिना खोले और बिना उसमें से कोई चीज़ उठाए ही उस पर्स को नैनीताल में भेजने का और वह सामान उसके पास भेजने का फैसला करता है। वह पत्र के द्वारा फिर से जो सामान उसे पर्स के तौर पर मिला था वह उसे पीछे भेज देता है। इसमें पत्रों के माध्यम से उन दोनों के बीच में ही एक अस्थाई पत्राचार शुरू होता है, जिसमें आरती की महत्वपूर्ण कागज़ पत्र उसे मिलने की वजह से वह काफ़ी खुश है। वह दीपक के लिए एक धन्यवाद पत्र का भेजती है, जिसके बाद उन्हें एक दूसरे के साथ पत्र का व्यवहार करना शुरू करना है। फिल्म की कहानी दिन ब दिन आगे बढ़ती है, जहाँ पर दोनों के पत्र व्यवहार से भले ही एक दूसरे को यह दोनों जोड़ा जानता नहीं था और ना ही एक दूसरे को उन्होंने आपस में कभी देखा था ना मिले थे, लेकिन दोनों के ही तरफ एक दूसरे का जो आकर्षण है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है। पत्र व्यवहार से उनके आकर्षण को बढ़ावा मिलता है। आरती की बहन और देवल निर्मल कुछ हद तक उनका अब धीरे धीरे हौसला भी बढ़ाना शुरू करते हैं, जबकि निर्मल ने तो यह भी सुझाव दिया था कि यह जो भी कर रही हो वो गलत है, तुम अपने ही पड़ोस के एक प्रसिद्ध युवा व्यवसायी और व्यवसाय साझेदार जिसका नाम प्रेम है उससे शादी कर लो। इसमें प्रेम की भूमिका में सलमान खान नजर आते हैं। सलमान खान ने फिल्म में प्रेम की भूमिका में एक महत्वपूर्ण अभिनय निभाया हुआ भी नज़र आता है, जिन्हें सिर्फ प्रेम के तौर पर ही फिल्म में दिखाया जाता है। बाद में उन्हें इस फिल्म से हटा दिया जाता है। बात करते हैं कहानी से जुड़ी कुछ अन्य हिस्सों की, जहाँ पर उसकी बहन बड़ी बहन आरती के लिए यह कहते हुए कि तुम अपना जीवन साथी खुद चुनो। एक दिन आरती दीपक को यह बताए बिना ही वह उसे ढूंढने और खोजने की तलाश में निकल पड़ती है, क्योंकि वह दीपक को गिफ्ट और साथ ही सरप्राइज देने का फैसला करती है। वह दीपक से कोई भी वार्तालाप न करते हुए दीपक को खोज करने के लिए उसके यहाँ जाने का फैसला करती है, क्योंकि उसे सिर्फ यही पता है कि वह दिल्ली में रहता है, तो वह फिलहाल दिल्ली में आ रही है क्योंकि उसकी बॉस नेहा के साथ अस्थायी तौर पर उसकी नौकरी चल रही है और वह उसके यहाँ वह नौकरी करती है। मामलों की मदद नहीं कर रही नेहा है, जो दीपक की एक बॉस है, लेकिन बॉस से अधिक वह दीपक की तरफ काफ़ी रोमांटिक है और रोमांटिक इस तरह से है कि वह दीपक से प्यार करती है, लेकिन दीपक उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता। उसका दिल सिर्फ आरती के लिए धड़कता है और वह सिर्फ आरती से ही प्यार करता है। कई बार इस तरह के झगड़े होने के चलते अब वह इस्तीफा देने को तैयार है और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपने दोस्त प्रीतम के कहने पर अब एक ऑटो रिक्शा का चालक शुरू कर देता है, जिससे उसकी दोस्ती तब पहली बार दिल्ली में हुई थी। एक इंसान के रूप में वह उसका काफ़ी सम्मान करता है और प्रीतम ने उसकी मदद के लिए की थी जब उसका कोई भी ठेर ठिकावा नहीं था। पत्राचार के दौरान कुछ महीने पहले आरती ने दीपक को एक ऊनी स्वेटर को भी भेजा हुआ था जिस पर रोशनी का दिया बना है। जब आरती दिल्ली पहुंचती है तो वह दीपक के पते पर उसे तलाशती है और उम्मीद करती है कि वह उसे मिल सके था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सिर्फ तुम इस मूवी की कहानी शुरू होगी, जहां पर दीपक राय जिसमें इसमें संजय कपूर है, दीपक राय को एक अनजाना पर्स मिल रहा है जिसमें आरती नामक की एक महिलाओं के कई सारे शैक्षणिक पत्र, महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स और उसके लिए कुछ अनावश्यक चीज़ें रखी थी। उसे पता चलता है कि यह महिला नैनीताल में अपना जीवन व्यतीत करती है। दीपक राय उस पर्स को बिना खोले और बिना उसमें से कोई चीज़ उठाए ही उस पर्स को नैनीताल में भेजने का और वह सामान उसके पास भेजने का फैसला करता है। वह पत्र के द्वारा फिर से जो सामान उसे पर्स के तौर पर मिला था वह उसे पीछे भेज देता है। इसमें पत्रों के माध्यम से उन दोनों के बीच में ही एक अस्थाई पत्राचार शुरू होता है, जिसमें आरती की महत्वपूर्ण कागज़ पत्र उसे मिलने की वजह से वह काफ़ी खुश है। वह
दीपक के लिए एक धन्यवाद पत्र का भेजती है, जिसके बाद उन्हें एक दूसरे के साथ पत्र का व्यवहार करना शुरू करना है। फिल्म की कहानी दिन ब दिन आगे बढ़ती है, जहाँ पर दोनों के पत्र व्यवहार से भले ही एक दूसरे को यह दोनों जोड़ा जानता नहीं था और ना ही एक दूसरे को उन्होंने आपस में कभी देखा था ना मिले थे, लेकिन दोनों की ही तरफ एक दूसरे का जो आकर्षण है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है। पत्र व्यवहार से उनके आकर्षण को बढ़ावा मिलता है। आरती की बहन और देवल निर्मल कुछ हद तक उनका अब धीरे धीरे हौसला भी बढ़ाना शुरू करते हैं। जबकि निर्मल ने तो यह भी सुझाव दिया था कि यह जो भी कर रही हो वो गलत है, तुम अपने ही पड़ोस के एक प्रसिद्ध युवा व्यवसायी और व्यवसाय साझेदार जिसका नाम प्रेम है उससे शादी कर लो। इसमें प्रेम की भूमिका में सलमान खान नजर आते हैं। सलमान खान ने फिल्म में प्रेम की भूमिका में एक महत्वपूर्ण अभिनय निभाया हुआ भी नज़र आता है, जिन्हें सिर्फ प्रेम के तौर पर ही फिल्म में दिखाया जाता है। बाद में उन्हें इस फिल्म से हटा दिया जाता है। बात करते हैं कहानी से जुड़ी कुछ अन्य हिस्सों की, जहाँ पर उसकी बहन बड़ी बहन आरती के लिए यह कहते हुए कि तुम अपना जीवन साथी खुद चुनो। एक दिन आरती दीपक को यह बताए बिना ही वह उसे ढूंढने और खोजने की तलाश में निकल पड़ती है, क्योंकि वह दीपक को गिफ्ट और साथ ही सरप्राइज देने का फैसला करती है। वह दीपक से कोई भी वार्तालाप न करते हुए दीपक को खोज करने के लिए उसके यहाँ जाने का फैसला करती है, क्योंकि उसे सिर्फ यही पता है कि वह दिल्ली में रहता है, तो वह फिलहाल दिल्ली में आ रही है क्योंकि उसकी बॉस नेहा के साथ अस्थायी तौर पर उसकी नौकरी चल रही है और वह उसके यहाँ वह नौकरी करती है। मामलों की मदद नहीं कर रही नेहा है, जो दीपक की एक बॉस है, लेकिन बॉस से अधिक वह दीपक की तरफ काफ़ी रोमांटिक है और रोमांटिक इस तरह से है कि वह दीपक से प्यार करती है, लेकिन दीपक उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता। उसका दिल सिर्फ आरती के लिए धड़कता है और वह सिर्फ आरती से ही प्यार करता है। कई बार इस तरह के झगड़े होने के चलते अब वह इस्तीफा देने को तैयार है और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपने दोस्त प्रीतम के कहने पर अब एक ऑटो रिक्शा का चालक शुरू कर देता है, जिससे उसकी दोस्ती तब पहली बार दिल्ली में हुई थी। एक इंसान के रूप में वह उसका काफ़ी सम्मान करता है और प्रीतम ने उसकी मदद के लिए की थी जब उसका कोई भी ठेर ठिकावा नहीं था। पत्राचार के दौरान कुछ महीने पहले आरती ने दीपक को एक ऊनी स्वेटर को भी भेजा हुआ था जिस पर रोशनी का दिया बना है। जब आरती दिल्ली पहुंचती है तो वह दीपक के पते पर उसे तलाशती है और उम्मीद करती है कि वह उसे मिल सके, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सिर्फ तुम इस मूवी की कहानी शुरू होगी, जहाँ पर दीपक राय जिसमें इसमें संजय कपूर है, दीपक राय को एक अनजाना पर्स मिल रहा है जिसमें आरती नामक की एक महिलाओं के कई सारे शैक्षणिक पत्र, महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स और उसके लिए कुछ अनावश्यक चीज़ें रखी थी। उसे पता चलता है कि यह महिला नैतीवाल में अपना जीवन व्यतीत करती है। दीपक राय उस पर्स को बिना खोले और बिना उसमें से कोई चीज़ उठाए ही उस पर्स को नैतीवाल में भेजने का और वह सामान उसके पास भेजने का फैसला करता है। वह पत्र के द्वारा फिर से जो सामान उसे पर्स के तौर पर मिला था वह उसे पीछे भेज देता है। इसमें पत्रों के माध्यम से उन दोनों के बीच में ही एक अस्थायी पत्राचार शुरू होता है, जिसमें आरती की महत्वपूर्ण कागज़ पत्र उसे मिलने की वजह से वह काफ़ी खुश है। वह दीपक के लिए एक धन्यवाद पत्र का भेजती है, जिसके बाद उन्हें एक दूसरे के साथ पत्र का व्यवहार करना शुरू करना है। फिल्म की कहानी दिन ब दिन आगे बढ़ती है, जहाँ पर दोनों के पत्र व्यवहार से भले ही एक दूसरे को यह दोनों जोड़ा जानता नहीं था और ना ही एक दूसरे को उन्होंने आपस में कभी देखा था ना मिले थे, लेकिन दोनों की ही तरफ एक दूसरे का जो आकर्षण है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है। पत्र व्यवहार से उनके आकर्षण को बढ़ावा मिलता है। आरती की बहन और देवल निर्मल
कुछ हद तक उनका अब धीरे धीरे हौसला भी बढ़ाना शुरू करते हैं। जबकि निर्मल ने तो यह भी सुझाव दिया था कि यह जो भी कर रही हो वो गलत है, तुम अपने ही पड़ोस के एक प्रसिद्ध युवा व्यवसायी और व्यवसाय साझेदार जिसका नाम प्रेम है उससे शादी कर लो। इसमें प्रेम की भूमिका में सलमान खान नजर आते हैं। सलमान खान ने फिल्म में प्रेम की भूमिका में एक महत्वपूर्ण अभिनय निभाया हुआ भी नजर आता है, जिन्हें सिर्फ प्रेम के तौर पर ही फिल्म में दिखाया जाता है। बाद में उन्हें इस फिल्म से हटा दिया जाता है। बात करते हैं कहानी से जुड़ी कुछ अन्य हिस्सों की, जहाँ पर उसकी बहन बड़ी बहन आरती के लिए यह कहते हुए कि तुम अपना जीवन साथी खुद चुनो। एक दिन आरती दीपक को यह बताए बिना ही वह उसे ढूंढने और खोजने की तलाश में निकल पड़ती है, क्योंकि वह दीपक को गिफ्ट और साथ ही सरप्राइज देने का फैसला करती है। वह दीपक से कोई भी वार्तालाप न करते हुए दीपक को खोज करने के लिए उसके यहाँ जाने का फैसला करती है, क्योंकि उसे सिर्फ यही पता है कि वह दिल्ली में रहता है। तो वह फिलहाल दिल्ली में आ रही है क्योंकि उसकी बॉस नेहा के साथ अस्थायी तौर पर उसकी नौकरी चल रही है और वह उसके यहाँ वह नौकरी करती है। मामलों की मदद नहीं कर रही नेहा है, जो दीपक की एक बॉस है, लेकिन बॉस से अधिक वह दीपक की तरफ काफ़ी रोमांटिक है और रोमांटिक इस तरह से है कि वह दीपक से प्यार करती है, लेकिन दीपक उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता। उसका दिल सिर्फ आरती के लिए धड़कता है और वह सिर्फ आरती से ही प्यार करता है। कई बार इस तरह के झगड़े होने के चलते अब वह इस्तीफा देने को तैयार है और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपने दोस्त प्रीतम के कहने पर अब एक ऑटो रिक्शा का चालक शुरू कर देता है, जिससे उसकी दोस्ती तब पहली बार दिल्ली में हुई थी। एक इंसान के रूप में वह उसका काफ़ी सम्मान करता है और प्रीतम ने उसकी मदद के लिए की थी जब उसका कोई भी ठेर ठिकावा नहीं था। पत्राचार के दौरान कुछ महीने पहले आरती ने दीपक को एक ऊनी स्वेटर को भी भेजा हुआ था जिस पर रोशनी का दिया बना है। जब आरती दिल्ली पहुंचती है तो वह दीपक के पते पर उसे तलाशती है और उम्मीद करती है कि वह उसे मिल सके था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सिर्फ तुम इस मूवी की कहानी शुरू होगी, जहां पर दीपक राय जिसमें इसमें संजय कपूर है, दीपक राय को एक अनजाना पर्स मिल रहा है जिसमें आरती नामक की एक महिलाओं के कई सारे शैक्षणिक पत्र, महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स और उसके लिए कुछ अनावश्यक चीज़ें रखी थी। उसे पता चलता है कि यह महिला नेतीवाल में अपना जीवन व्यतीत करती है। दीपक राय उस पर्स को बिना खोले और बिना उसमें से कोई चीज़ उठाए ही उस पर्स को नेतीवाल में भेजने का और वह सामान उसके पास भेजने का फैसला करता है। वह पत्र के द्वारा फिर से जो सामान उसे पर्स के तौर पर मिला था वह उसे पीछे भेज देता है। इसमें पत्रों के माध्यम से उन दोनों के बीच में ही एक अस्थायी पत्राचार शुरू होता है, जिसमें आरती की महत्वपूर्ण कागज़ पत्र उसे मिलने की वजह से वह काफ़ी खुश है। वह दीपक के लिए एक धन्यवाद पत्र का भेजती है, जिसके बाद उन्हें एक दूसरे के साथ पत्र का व्यवहार करना शुरू करना है। फिल्म की कहानी दिन ब दिन आगे बढ़ती है, जहाँ पर दोनों के पत्र व्यवहार से भले ही एक दूसरे को यह दोनों जोड़ा जानता नहीं था और ना ही एक दूसरे को उन्होंने आपस में कभी देखा था ना मिले थे, लेकिन दोनों के ही तरफ एक दूसरे का जो आकर्षण है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है। पत्र व्यवहार से उनके आकर्षण को बढ़ावा मिलता है। आरती की बहन और देवल निर्मल कुछ हद तक उनका अब धीरे धीरे हौसला भी बढ़ाना शुरू करते हैं। जबकि निर्मल ने तो यह भी सुझाव दिया था कि यह जो भी कर रही हो वो गलत है, तुम अपने ही पड़ोस के एक प्रसिद्ध युवा व्यवसायी और व्यवसाय साझेदार जिसका नाम प्रेम है उससे शादी कर लो। इसमें प्रेम की भूमिका में सलमान खान नजर आते हैं। सलमान खान ने फिल्म में प्रेम की भूमिका में एक महत्वपूर्ण अभिनय निभाया हुआ भी नजर आता है, जिन्हें सिर्फ प्रेम के तौर पर ही फिल्म में दिखाया जाता है। बाद में उन्हें इस फिल्म से हटा दिया जाता है।
बात करते हैं कहानी से जुड़ी कुछ अन्य हिस्सों की, जहाँ पर उसकी बहन बड़ी बहन आरती के लिए यह कहते हुए कि तुम अपना जीवन साथी खुद चुनो। एक दिन आरती दीपक को यह बताए बिना ही वह उसे ढूंढने और खोजने की तलाश में निकल पड़ती है, क्योंकि वह दीपक को गिफ्ट और साथ ही सरप्राइज देने का फैसला करती है। वह दीपक से कोई भी वार्तालाप न करते हुए दीपक को खोज करने के लिए उसके यहाँ जाने का फैसला करती है, क्योंकि उसे सिर्फ यही पता है कि वह दिल्ली में रहता है। तो वह फिलहाल दिल्ली में आ रही है क्योंकि उसकी बॉस नेहा के साथ अस्थायी तौर पर उसकी नौकरी चल रही है और वह उसके यहाँ वह नौकरी करती है। मामलों की मदद नहीं कर रही नेहा है, जो दीपक की एक बॉस है, लेकिन बॉस से अधिक वह दीपक की तरफ काफ़ी रोमांटिक है, और रोमांटिक इस तरह से है कि वह दीपक से प्यार करती है, लेकिन दीपक उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता। उसका दिल सिर्फ आरती के लिए धड़कता है और वह सिर्फ आरती से ही प्यार करता है। कई बार इस तरह के झगड़े होने के चलते अब वह इस्तीफा देने को तैयार है और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपने दोस्त प्रीतम के कहने पर अब एक ऑटो रिक्शा का चालक शुरू कर देता है, जिससे उसकी दोस्ती तब पहली बार दिल्ली में हुई थी। एक इंसान के रूप में वह उसका काफ़ी सम्मान करता है और प्रीतम ने उसकी मदद के लिए की थी जब उसका कोई भी ठेर ठिकावा नहीं था। पत्राचार के दौरान कुछ महीने पहले आरती ने दीपक को एक ऊनी स्वेटर को भी भेजा हुआ था, जिस पर रोशनी का दिया बना है। जब आरती दिल्ली पहुंचती है तो वह दीपक के पते पर उसे तलाशती है और उम्मीद करती है कि वह उसे मिल सकेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सिर्फ तुम इस मूवी की कहानी शुरू होगी, जहां पर दीपक राय, जिसमें इसमें संजय कपूर है, दीपक राय को एक अनजाना पर्स मिल रहा है, जिसमें आरती नामक की एक महिलाओं के कई सारे शैक्षणिक पत्र, महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स और उसके लिए कुछ अनावश्यक चीज़ें रखी थी। उसे पता चलता है कि यह महिला नैतीवाल में अपना जीवन व्यतीत करती है। दीपक राय उस पर्स को बिना खोले और बिना उसमें से कोई चीज़ उठाए ही उस पर्स को नैतीवाल में भेजने का और वह सामान उसके पास भेजने का फैसला करता है। वह पत्र के द्वारा फिर से जो सामान उसे पर्स के तौर पर मिला था वह उसे पीछे भेज देता है। इसमें पत्रों के माध्यम से उन दोनों के बीच में ही एक अस्थाई पत्राचार शुरू होता है, जिसमें आरती की महत्वपूर्ण कागज़ पत्र उसे मिलने की वजह से वह काफ़ी खुश है। वह दीपक के लिए एक धन्यवाद पत्र का भेजती है, जिसके बाद उन्हें एक दूसरे के साथ पत्र का व्यवहार करना शुरू करना है। फिल्म की कहानी दिन ब दिन आगे बढ़ती है, जहां पर दोनों के पत्र व्यवहार से भले ही एक दूसरे को यह दोनों जोड़ा जानता नहीं था और ना ही एक दूसरे को उन्होंने आपस में कभी देखा था ना मिले थे, लेकिन दोनों के ही तरफ एक दूसरे का जो आकर्षण है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है। पत्र व्यवहार से उनके आकर्षण को बढ़ावा मिलता है। आरती की बहन और देवल निर्मल कुछ हद तक उनका अब धीरे धीरे हौसला भी बढ़ाना शुरू करते हैं, जबकि निर्मल ने तो यह भी सुझाव दिया था कि यह जो भी कर रही हो वो गलत है, तुम अपने ही पड़ोस के एक प्रसिद्ध युवा व्यवसायी और व्यवसाय साझेदार जिसका नाम प्रेम है उससे शादी कर लो। इसमें प्रेम की भूमिका में सलमान खान नजर आते हैं। सलमान खान ने फिल्म में प्रेम की भूमिका में एक महत्वपूर्ण अभिनय निभाया हुआ भी नज़र आता है, जिन्हें सिर्फ प्रेम के तौर पर ही फिल्म में दिखाया जाता है। बाद में उन्हें इस फिल्म से हटा दिया जाता है। बात करते हैं कहानी से जुड़ी कुछ अन्य हिस्सों की, जहां पर उसकी बहन बड़ी बहन आरती के लिए यह कहते हुए कि तुम अपना जीवन साथी खुद चुनो। एक दिन आरती दीपक को यह बताए बिना ही वह उसे ढूंढने और खोजने की तलाश में निकल पड़ती है, क्योंकि वह दीपक को गिफ्ट और साथ ही सरप्राइज देने का फैसला करती है। वह दीपक से कोई भी वार्तालाप न करते हुए दीपक को खोज करने के लिए उसके यहाँ जाने का फैसला करती है, क्योंकि उसे सिर्फ यही पता है कि वह दिल्ली में रहता है। तो वह फिलहाल दिल्ली में आ रही है
क्योंकि उसकी बॉस नेहा के साथ अस्थायी तौर पर उसकी नौकरी चल रही है और वह उसके यहाँ वह नौकरी करती है। मामलों की मदद नहीं कर रही नेहा है जो दीपक की एक बॉस है, लेकिन बॉस से अधिक वह दीपक की तरफ काफ़ी रोमांटिक है और रोमांटिक इस तरह से है कि वह दीपक से प्यार करती है, लेकिन दीपक उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता। उसका दिल सिर्फ आरती के लिए धड़कता है और वह सिर्फ आरती से ही प्यार करता है। कई बार इस तरह के झगड़े होने के चलते अब वह इस्तीफा देने को तैयार है और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपने दोस्त प्रीतम के कहने पर अब एक ऑटो रिक्शा का चालक शुरू कर देता है, जिससे उसकी दोस्ती तब पहली बार दिल्ली में हुई थी। एक इंसान के रूप में वह उसका काफ़ी सम्मान करता है और प्रीतम ने उसकी मदद के लिए की थी जब उसका कोई भी ठेर ठिकावा नहीं था। पत्राचार के दौरान कुछ महीने पहले आरती ने दीपक को एक ऊनी स्वेटर को भी भेजा हुआ था जिस पर रोशनी का दिया बना है। जब आरती दिल्ली पहुंचती है तो वह दीपक के पते पर उसे तलाशती है और उम्मीद करती है कि वह उसे मिल सके था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सिर्फ तुम इस मूवी की कहानी शुरू होगी जहां पर दीपक राय, जिसमें इसमें संजय कपूर है, दीपक राय को एक अनजाना पर्स मिल रहा है जिसमें आरती नामक की एक महिलाओं के कई सारे शैक्षणिक पत्र, महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स और उसके लिए कुछ अनावश्यक चीज़ें रखी थी। उसे पता चलता है कि यह महिला नैनीताल में अपना जीवन व्यतीत करती है। दीपक राय उस पर्स को बिना खोले और बिना उसमें से कोई चीज़ उठाए ही उस पर्स को नैनीताल में भेजने का और वह सामान उसके पास भेजने का फैसला करता है। वह पत्र के द्वारा फिर से जो सामान उसे पर्स के तौर पर मिला था वह उसे पीछे भेज देता है। इसमें पत्रों के माध्यम से उन दोनों के बीच में ही एक अस्थायी पत्राचार शुरू होता है, जिसमें आरती की महत्वपूर्ण कागज़ पत्र उसे मिलने की वजह से वह काफ़ी खुश है। वह दीपक के लिए एक धन्यवाद पत्र का भेजती है, जिसके बाद उन्हें एक दूसरे के साथ पत्र का व्यवहार करना शुरू करना है। फिल्म की कहानी दिन ब दिन आगे बढ़ती है जहां पर दोनों के पत्र व्यवहार से भले ही एक दूसरे को यह दोनों जोड़ा जानता नहीं था और ना ही एक दूसरे को उन्होंने आपस में कभी देखा था ना मिले थे, लेकिन दोनों के ही तरफ एक दूसरे का जो आकर्षण है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है। पत्र व्यवहार से उनके आकर्षण को बढ़ावा मिलता है। आरती की बहन और देवल निर्मल कुछ हद तक उनका अब धीरे धीरे हौसला भी बढ़ाना शुरू करते हैं, जबकि निर्मल ने तो यह भी सुझाव दिया था कि यह जो भी कर रही हो वो गलत है, तुम अपने ही पड़ोस के एक प्रसिद्ध युवा व्यवसायी और व्यवसाय साझेदार जिसका नाम प्रेम है उससे शादी कर लो। इसमें प्रेम की भूमिका में सलमान खान नजर आते हैं। सलमान खान ने फिल्म में प्रेम की भूमिका में एक महत्वपूर्ण अभिनय निभाया हुआ भी नज़र आता है, जिन्हें सिर्फ प्रेम के तौर पर ही फिल्म में दिखाया जाता है। बाद में उन्हें इस फिल्म से हटा दिया जाता है। बात करते हैं कहानी से जुड़ी कुछ अन्य हिस्सों की, जहां पर उसकी बहन, बड़ी बहन आरती के लिए यह कहते हुए कि तुम अपना जीवन साथी खुद चुनो। एक दिन आरती दीपक को यह बताए बिना ही वह उसे ढूंढने और खोजने की तलाश में निकल पड़ती है, क्योंकि वह दीपक को गिफ्ट और साथ ही सरप्राइज देने का फैसला करती है। वह दीपक से कोई भी वार्तालाप न करते हुए दीपक को खोज करने के लिए उसके यहाँ जाने का फैसला करती है, क्योंकि उसे सिर्फ यही पता है कि वह दिल्ली में रहता है। तो वह फिलहाल दिल्ली में आ रही है क्योंकि उसकी बॉस नेहा के साथ अस्थायी तौर पर उसकी नौकरी चल रही है और वह उसके यहाँ वह नौकरी करती है। मामलों की मदद नहीं कर रही नेहा है जो दीपक की एक बॉस है, लेकिन बॉस से अधिक वह दीपक की तरफ काफ़ी रोमांटिक है और रोमांटिक इस तरह से है कि वह दीपक से प्यार करती है, लेकिन दीपक उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता। उसका दिल सिर्फ आरती के लिए धड़कता है और वह सिर्फ आरती से ही प्यार करता है। कई बार इस तरह के झगड़े होने के चलते अब वह इस्तीफा देने
को तैयार है और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपने दोस्त प्रीतम के कहने पर अब एक ऑटो रिक्शा का चालक शुरू कर देता है, जिससे उसकी दोस्ती तब पहली बार दिल्ली में हुई थी। एक इंसान के रूप में वह उसका काफ़ी सम्मान करता है और प्रीतम ने उसकी मदद के लिए की थी जब उसका कोई भी ठेर ठिकावा नहीं था। पत्राचार के दौरान कुछ महीने पहले आरती ने दीपक को एक ऊनी स्वेटर को भी भेजा हुआ था, जिस पर रोशनी का दिया बना है। जब आरती दिल्ली पहुंचती है तो वह दीपक के पते पर उसे तलाशती है और उम्मीद करती है कि वह उसे मिल सके, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सिर्फ तुम इस मूवी की कहानी शुरू होगी, जहां पर दीपक राय, जिसमें इसमें संजय कपूर है, दीपक राय को एक अनजाना पर्स मिल रहा है, जिसमें आरती नामक की एक महिलाओं के कई सारे शैक्षणिक पत्र, महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स और उसके लिए कुछ अनावश्यक चीज़ें रखी थी। उसे पता चलता है कि यह महिला नैतीवाल में अपना जीवन व्यतीत करती है। दीपक राय उस पर्स को बिना खोले और बिना उसमें से कोई चीज़ उठाए ही उस पर्स को नैतीवाल में भेजने का और वह सामान उसके पास भेजने का फैसला करता है। वह पत्र के द्वारा फिर से जो सामान उसे पर्स के तौर पर मिला था वह उसे पीछे भेज देता है। इसमें पत्रों के माध्यम से उन दोनों के बीच में ही एक अस्थाई पत्राचार शुरू होता है, जिसमें आरती की महत्वपूर्ण कागज़ पत्र उसे मिलने की वजह से वह काफ़ी खुश है। वह दीपक के लिए एक धन्यवाद पत्र का भेजती है, जिसके बाद उन्हें एक दूसरे के साथ पत्र का व्यवहार करना शुरू करना है। फिल्म की कहानी दिन ब दिन आगे बढ़ती है, जहां पर दोनों के पत्र व्यवहार से भले ही एक दूसरे को यह दोनों जोड़ा जानता नहीं था और ना ही एक दूसरे को उन्होंने आपस में कभी देखा था ना मिले थे, लेकिन दोनों के ही तरफ एक दूसरे का जो आकर्षण है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है। पत्र व्यवहार से उनके आकर्षण को बढ़ावा मिलता है। आरती की बहन और देवल निर्मल कुछ हद तक उनका अब धीरे धीरे हौसला भी बढ़ाना शुरू करते हैं, जबकि निर्मल ने तो यह भी सुझाव दिया था कि यह जो भी कर रही हो वो गलत है, तुम अपने ही पड़ोस के एक प्रसिद्ध युवा व्यवसायी और व्यवसाय साझेदार जिसका नाम प्रेम है उससे शादी कर लो। इसमें प्रेम की भूमिका में सलमान खान नजर आते हैं। सलमान खान ने फिल्म में प्रेम की भूमिका में एक महत्वपूर्ण अभिनय निभाया हुआ भी नजर आता है, जिन्हें सिर्फ प्रेम के तौर पर ही फिल्म में दिखाया जाता है। बाद में उन्हें इस फिल्म से हटा दिया जाता है। बात करते हैं कहानी से जुड़ी कुछ अन्य हिस्सों की, जहाँ पर उसकी बहन, बड़ी बहन आरती के लिए यह कहते हुए कि तुम अपना जीवन साथी खुद चुनो। एक दिन आरती दीपक को यह बताए बिना ही वह उसे ढूंढने और खोजने की तलाश में निकल पड़ती है, क्योंकि वह दीपक को गिफ्ट और साथ ही सरप्राइज देने का फैसला करती है। वह दीपक से कोई भी वार्तालाप न करते हुए दीपक को खोज करने के लिए उसके यहाँ जाने का फैसला करती है, क्योंकि उसे सिर्फ यही पता है कि वह दिल्ली में रहता है, तो वह फिलहाल दिल्ली में आ रही है क्योंकि उसकी बॉस नेहा के साथ अस्थायी तौर पर उसकी नौकरी चल रही है और वह उसके यहाँ वह नौकरी करती है। मामलों की मदद नहीं कर रही नेहा है, जो दीपक की एक बॉस है, लेकिन बॉस से अधिक वह दीपक की तरफ काफ़ी रोमांटिक है और रोमांटिक इस तरह से है कि वह दीपक से प्यार करती है, लेकिन दीपक उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता। उसका दिल सिर्फ आरती के लिए धड़कता है और वह सिर्फ आरती से ही प्यार करता है। कई बार इस तरह के झगड़े होने के चलते अब वह इस्तीफा देने को तैयार है और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपने दोस्त प्रीतम के कहने पर अब एक ऑटो रिक्शा का चालक शुरू कर देता है, जिससे उसकी दोस्ती तब पहली बार दिल्ली में हुई थी। एक इंसान के रूप में वह उसका काफ़ी सम्मान करता है और प्रीतम ने उसकी मदद के लिए की थी जब उसका कोई भी ठेर ठिकावा नहीं था। पत्राचार के दौरान कुछ महीने पहले आरती ने दीपक को एक ऊनी स्वेटर को भी भेजा हुआ था, जिस पर रोशनी का दिया बना है।
जब आरती दिल्ली पहुंचती है तो वह दीपक के पते पर उसे तलाशती है और उम्मीद करती है कि वह उसे मिल सके, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सिर्फ तुम इस मूवी की कहानी शुरू होगी जहां पर दीपक राय, जिसमें इसमें संजय कपूर है, दीपक राय को एक अनजाना पर्स मिल रहा है जिसमें आरती नामक की एक महिलाओं के कई सारे शैक्षणिक पत्र, महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स और उसके लिए कुछ अनावश्यक चीज़ें रखी थी। उसे पता चलता है कि यह महिला नैनीताल में अपना जीवन व्यतीत करती है। दीपक राय उस पर्स को बिना खोले और बिना उसमें से कोई चीज़ उठाए ही उस पर्स को नैनीताल में भेजने का और वह सामान उसके पास भेजने का फैसला करता है। वह पत्र के द्वारा फिर से जो सामान उसे पर्स के तौर पर मिला था वह उसे पीछे भेज देता है। इसमें पत्रों के माध्यम से उन दोनों के बीच में ही एक अस्थाई पत्राचार शुरू होता है जिसमें आरती की महत्वपूर्ण कागज़ पत्र उसे मिलने की वजह से वह काफ़ी खुश है। वह दीपक के लिए एक धन्यवाद पत्र का भेजती है जिसके बाद उन्हें एक दूसरे के साथ पत्र का व्यवहार करना शुरू करना है। फिल्म की कहानी दिन ब दिन आगे बढ़ती है जहां पर दोनों के पत्र व्यवहार से भले ही एक दूसरे को यह दोनों जोड़ा जानता नहीं था और ना ही एक दूसरे को उन्होंने आपस में कभी देखा था ना मिले थे, लेकिन दोनों के ही तरफ एक दूसरे का जो आकर्षण है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है। पत्र व्यवहार से उनके आकर्षण को बढ़ावा मिलता है। आरती की बहन और देवल निर्मल कुछ हद तक उनका अब धीरे धीरे हौसला भी बढ़ाना शुरू करते हैं, जबकि निर्मल ने तो यह भी सुझाव दिया था कि यह जो भी कर रही हो वो गलत है, तुम अपने ही पड़ोस के एक प्रसिद्ध युवा व्यवसायी और व्यवसाय साझेदार जिसका नाम प्रेम है उससे शादी कर लो। इसमें प्रेम की भूमिका में सलमान खान नजर आते हैं। सलमान खान ने फिल्म में प्रेम की भूमिका में एक महत्वपूर्ण अभिनय निभाया हुआ भी नज़र आता है, जिन्हें सिर्फ प्रेम के तौर पर ही फिल्म में दिखाया जाता है। बाद में उन्हें इस फिल्म से हटा दिया जाता है। बात करते हैं कहानी से जुड़ी कुछ अन्य हिस्सों की, जहां पर उसकी बहन, बड़ी बहन आरती के लिए यह कहते हुए कि तुम अपना जीवन साथी खुद चुने। एक दिन आरती दीपक को यह बताए बिना ही वह उसे ढूंढने और खोजने की तलाश में निकल पड़ती है, क्योंकि वह दीपक को गिफ्ट और साथ ही सरप्राइज देने का फैसला करती है। वह दीपक से कोई भी वार्तालाप न करते हुए दीपक को खोज करने के लिए उसके यहाँ जाने का फैसला करती है, क्योंकि उसे सिर्फ यही पता है कि वह दिल्ली में रहता है, तो वह फिलहाल दिल्ली में आ रही है क्योंकि उसकी बॉस नेहा के साथ अस्थायी तौर पर उसकी नौकरी चल रही है और वह उसके यहाँ वह नौकरी करती है। मामलों की मदद नहीं कर रही नेहा है जो दीपक की एक बॉस है, लेकिन बॉस से अधिक वह दीपक की तरफ काफ़ी रोमांटिक है और रोमांटिक इस तरह से है कि वह दीपक से प्यार करती है, लेकिन दीपक उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता। उसका दिल सिर्फ आरती के लिए धड़कता है और वह सिर्फ आरती से ही प्यार करता है। कई बार इस तरह के झगड़े होने के चलते अब वह इस्तीफा देने को तैयार है और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपने दोस्त प्रीतम के कहने पर अब एक ऑटो रिक्शा का चालक शुरू कर देता है, जिससे उसकी दोस्ती तब पहली बार दिल्ली में हुई थी। एक इंसान के रूप में वह उसका काफ़ी सम्मान करता है और प्रीतम ने उसकी मदद के लिए की थी जब उसका कोई भी ठेर ठिकावा नहीं था। पत्राचार के दौरान कुछ महीने पहले आरती ने दीपक को एक ऊनी स्वेटर को भी भेजा हुआ था जिस पर रोशनी का दिया बना है। जब आरती दिल्ली पहुंचती है तो वह दीपक के पते पर उसे तलाशती है और उम्मीद करती है कि वह उसे मिल सके, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सिर्फ तुम इस मूवी की कहानी शुरू होगी जहां पर दीपक राय, जिसमें इसमें संजय कपूर है, दीपक राय को एक अनजाना पर्स मिल रहा है जिसमें आरती नामक की एक महिलाओं के कई सारे शैक्षणिक पत्र, महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स और उसके लिए कुछ अनावश्यक चीज़ें रखी थी। उसे पता चलता है कि यह महिला नैनीताल में अपना जीवन व्यतीत करती है।
दीपक राय उस पर्स को बिना खोले और बिना उसमें से कोई चीज़ उठाए ही उस पर्स को नैतियाल में भेजने का और वह सामान उसके पास भेजने का फैसला करता है। वह पत्र के द्वारा फिर से जो सामान उसे पर्स के तौर पर मिला था वह उसे पीछे भेज देता है। इसमें पत्रों के माध्यम से उन दोनों के बीच में ही एक अस्थाई पत्राचार शुरू होता है, जिसमें आरती की महत्वपूर्ण कागज़ पत्र उसे मिलने की वजह से वह काफ़ी खुश है। वह दीपक के लिए एक धन्यवाद पत्र का भेजती है, जिसके बाद उन्हें एक दूसरे के साथ पत्र का व्यवहार करना शुरू करना है। फिल्म की कहानी दिन ब दिन आगे बढ़ती है, जहाँ पर दोनों के पत्र व्यवहार से भले ही एक दूसरे को यह दोनों जोड़ा जानता नहीं था और ना ही एक दूसरे को उन्होंने आपस में कभी देखा था ना मिले थे, लेकिन दोनों के ही तरफ एक दूसरे का जो आकर्षण है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है। पत्र व्यवहार से उनके आकर्षण को बढ़ावा मिलता है। आरती की बहन और देवल निर्मल कुछ हद तक उनका अब धीरे धीरे हौसला भी बढ़ाना शुरू करते हैं, जबकि निर्मल ने तो यह भी सुझाव दिया था कि यह जो भी कर रही हो वो गलत है, तुम अपने ही पड़ोस के एक प्रसिद्ध युवा व्यवसायी और व्यवसाय साझेदार जिसका नाम प्रेम है उससे शादी कर लो। इसमें प्रेम की भूमिका में सलमान खान नजर आते हैं। सलमान खान ने फिल्म में प्रेम की भूमिका में एक महत्वपूर्ण अभिनय निभाया हुआ भी नज़र आता है, जिन्हें सिर्फ प्रेम के तौर पर ही फिल्म में दिखाया जाता है, बाद में उन्हें इस फिल्म से हटा दिया जाता है। बात करते हैं कहानी से जुड़ी कुछ अन्य हिस्सों की, जहाँ पर उसकी बहन बड़ी बहन आरती के लिए यह कहते हुए कि तुम अपना जीवन साथी खुद चुनो। एक दिन आरती दीपक को यह बताए बिना ही वह उसे ढूंढने और खोजने की तलाश में निकल पड़ती है, क्योंकि वह दीपक को गिफ्ट और साथ ही सरप्राइज देने का फैसला करती है। वह दीपक से कोई भी वार्तालाप न करते हुए दीपक को खोज करने के लिए उसके यहाँ जाने का फैसला करती है, क्योंकि उसे सिर्फ यही पता है कि वह दिल्ली में रहता है, तो वह फिलहाल दिल्ली में आ रही है क्योंकि उसकी बॉस नेहा के साथ अस्थायी तौर पर उसकी नौकरी चल रही है और वह उसके यहाँ वह नौकरी करती है। मामलों की मदद नहीं कर रही नेहा है, जो दीपक की एक बॉस है, लेकिन बॉस से अधिक वह दीपक की तरफ काफ़ी रोमांटिक है और रोमांटिक इस तरह से है कि वह दीपक से प्यार करती है, लेकिन दीपक उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता। उसका दिल सिर्फ आरती के लिए धड़कता है और वह सिर्फ आरती से ही प्यार करता है। कई बार इस तरह के झगड़े होने के चलते अब वह इस्तीफा देने को तैयार है और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपने दोस्त प्रीतम के कहने पर अब एक ऑटो रिक्शा का चालक शुरू कर देता है, जिससे उसकी दोस्ती तब पहली बार दिल्ली में हुई थी। एक इंसान के रूप में वह उसका काफ़ी सम्मान करता है और प्रीतम ने उसकी मदद के लिए की थी जब उसका कोई भी ठेर ठिकावा नहीं था। पत्राचार के दौरान कुछ महीने पहले आरती ने दीपक को एक ऊनी स्वेटर को भी भेजा हुआ था जिस पर रोशनी का दिया बना है। जब आरती दिल्ली पहुंचती है तो वह दीपक के पते पर उसे तलाशती है और उम्मीद करती है कि वह उसे मिल सके, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सिर्फ तुम इस मूवी की कहानी शुरू होगी, जहाँ पर दीपक राय जिसमें इसमें संजय कपूर है, दीपक राय को एक अनजाना पर्स मिल रहा है जिसमें आरती नामक की एक महिलाओं के कई सारे शैक्षणिक पत्र, महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स और उसके लिए कुछ अनावश्यक चीज़ें रखी थी। उसे पता चलता है कि यह महिला नैतीवाल में अपना जीवन व्यतीत करती है। दीपक राय उस पर्स को बिना खोले और बिना उसमें से कोई चीज़ उठाए ही उस पर्स को नैतीवाल में भेजने का और वह सामान उसके पास भेजने का फैसला करता है। वह पत्र के द्वारा फिर से जो सामान उसे पर्स के तौर पर मिला था वह उसे पीछे भेज देता है। इसमें पत्रों के माध्यम से उन दोनों के बीच में ही एक अस्थाई पत्राचार शुरू होता है, जिसमें आरती की महत्वपूर्ण कागज़ पत्र उसे मिलने की वजह से वह काफ़ी खुश है। वह दीपक के लिए एक
धन्यवाद पत्र का भेजती है, जिसके बाद उन्हें एक दूसरे के साथ पत्र का व्यवहार करना शुरू करना है। फिल्म की कहानी दिन ब दिन आगे बढ़ती है, जहाँ पर दोनों के पत्र व्यवहार से भले ही एक दूसरे को यह दोनों जोड़ा जानता नहीं था और ना ही एक दूसरे को उन्होंने आपस में कभी देखा था ना मिले थे, लेकिन दोनों के ही तरफ एक दूसरे का जो आकर्षण है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है। पत्र व्यवहार से उनके आकर्षण को बढ़ावा मिलता है। आरती की बहन और देवल निर्मल कुछ हद तक उनका अब धीरे धीरे हौसला भी बढ़ाना शुरू करते हैं, जबकि निर्मल ने तो यह भी सुझाव दिया था कि यह जो भी कर रही हो वो गलत है, तुम अपने ही पड़ोस के एक प्रसिद्ध युवा व्यवसायी और व्यवसाय साझेदार जिसका नाम प्रेम है उससे शादी कर लो। इसमें प्रेम की भूमिका में सलमान खान नजर आते हैं। सलमान खान ने फिल्म में प्रेम की भूमिका में एक महत्वपूर्ण अभिनय निभाया हुआ भी नज़र आता है, जिन्हें सिर्फ प्रेम के तौर पर ही फिल्म में दिखाया जाता है, बाद में उन्हें इस फिल्म से हटा दिया जाता है। बात करते हैं कहानी से जुड़ी कुछ अन्य हिस्सों की, जहाँ पर उसकी बहन बड़ी बहन आरती के लिए यह कहते हुए कि तुम अपना जीवन साथी खुद चुने। एक दिन आरती दीपक को यह बताए बिना ही वह उसे ढूंढने और खोजने की तलाश में निकल पड़ती है, क्योंकि वह दीपक को गिफ्ट और साथ ही सरप्राइज देने का फैसला करती है। वह दीपक से कोई भी वार्तालाप न करते हुए दीपक को खोज करने के लिए उसके यहाँ जाने का फैसला करती है, क्योंकि उसे सिर्फ यही पता है कि वह दिल्ली में रहता है, तो वह फिलहाल दिल्ली में आ रही है क्योंकि उसकी बॉस नेहा के साथ अस्थायी तौर पर उसकी नौकरी चल रही है और वह उसके यहाँ वह नौकरी करती है। मामलों की मदद नहीं कर रही नेहा है, जो दीपक की एक बॉस है, लेकिन बॉस से अधिक वह दीपक की तरफ काफ़ी रोमांटिक है और रोमांटिक इस तरह से है कि वह दीपक से प्यार करती है, लेकिन दीपक उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता। उसका दिल सिर्फ आरती के लिए धड़कता है और वह सिर्फ आरती से ही प्यार करता है। कई बार इस तरह के झगड़े होने के चलते अब वह इस्तीफा देने को तैयार है और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपने दोस्त प्रीतम के कहने पर अब एक ऑटो रिक्शा का चालक शुरू कर देता है, जिससे उसकी दोस्ती तब पहली बार दिल्ली में हुई थी। एक इंसान के रूप में वह उसका काफ़ी सम्मान करता है और प्रीतम ने उसकी मदद के लिए की थी जब उसका कोई भी ठेर ठिकावा नहीं था। पत्राचार के दौरान कुछ महीने पहले आरती ने दीपक को एक ऊनी स्वेटर को भी भेजा हुआ था जिस पर रोशनी का दिया बना है। जब आरती दिल्ली पहुंचती है तो वह दीपक के पते पर उसे तलाशती है और उम्मीद करती है कि वह उसे मिल सके, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सिर्फ तुम इस मूवी की कहानी शुरू होगी, जहां पर दीपक राय जिसमें इसमें संजय कपूर है, दीपक राय को एक अनजाना पर्स मिल रहा है जिसमें आरती नामक की एक महिलाओं के कई सारे शैक्षणिक पत्र, महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स और उसके लिए कुछ अनावश्यक चीज़ें रखी थी। उसे पता चलता है कि यह महिला नेतीवाल में अपना जीवन व्यतीत करती है। दीपक राय उस पर्स को बिना खोले और बिना उसमें से कोई चीज़ उठाए ही उस पर्स को नैतीवाल में भेजने का और वह सामान उसके पास भेजने का फैसला करता है। वह पत्र के द्वारा फिर से जो सामान उसे पर्स के तौर पर मिला था वह उसे पीछे भेज देता है। इसमें पत्रों के माध्यम से उन दोनों के बीच में ही एक अस्थाई पत्राचार शुरू होता है, जिसमें आरती की महत्वपूर्ण कागज़ पत्र उसे मिलने की वजह से वह काफ़ी खुश है। वह दीपक के लिए एक धन्यवाद पत्र का भेजती है, जिसके बाद उन्हें एक दूसरे के साथ पत्र का व्यवहार करना शुरू करना है। फिल्म की कहानी दिन ब दिन आगे बढ़ती है, जहाँ पर दोनों के पत्र व्यवहार से भले ही एक दूसरे को यह दोनों जोड़ा जानता नहीं था और ना ही एक दूसरे को उन्होंने आपस में कभी देखा था ना मिले थे, लेकिन दोनों के ही तरफ एक दूसरे का जो आकर्षण है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है। पत्र व्यवहार से उनके आकर्षण को बढ़ावा मिलता है। आरती की बहन और देवल निर्मल
कुछ हद तक उनका अब धीरे धीरे हौसला भी बढ़ाना शुरू करते हैं। जबकि निर्मल ने तो यह भी सुझाव दिया था कि यह जो भी कर रही हो वो गलत है, तुम अपने ही पड़ोस के एक प्रसिद्ध युवा व्यवसायी और व्यवसाय साझेदार जिसका नाम प्रेम है उससे शादी कर लो। इसमें प्रेम की भूमिका में सलमान खान नजर आते हैं। सलमान खान ने फिल्म में प्रेम की भूमिका में एक महत्वपूर्ण अभिनय निभाया हुआ भी नजर आता है, जिन्हें सिर्फ प्रेम के तौर पर ही फिल्म में दिखाया जाता है। बाद में उन्हें इस फिल्म से हटा दिया जाता है। बात करते हैं कहानी से जुड़ी कुछ अन्य हिस्सों की, जहाँ पर उसकी बहन बड़ी बहन आरती के लिए यह कहते हुए कि तुम अपना जीवन साथी खुद चुनो। एक दिन आरती दीपक को यह बताए बिना ही वह उसे ढूंढने और खोजने की तलाश में निकल पड़ती है, क्योंकि वह दीपक को गिफ्ट और साथ ही सरप्राइज देने का फैसला करती है। वह दीपक से कोई भी वार्तालाप न करते हुए दीपक को खोज करने के लिए उसके यहाँ जाने का फैसला करती है, क्योंकि उसे सिर्फ यही पता है कि वह दिल्ली में रहता है। तो वह फिलहाल दिल्ली में आ रही है क्योंकि उसकी बॉस नेहा के साथ अस्थायी तौर पर उसकी नौकरी चल रही है और वह उसके यहाँ वह नौकरी करती है। मामलों की मदद नहीं कर रही नेहा है, जो दीपक की एक बॉस है, लेकिन बॉस से अधिक वह दीपक की तरफ काफ़ी रोमांटिक है, और रोमांटिक इस तरह से है कि वह दीपक से प्यार करती है, लेकिन दीपक उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता। उसका दिल सिर्फ आरती के लिए धड़कता है और वह सिर्फ आरती से ही प्यार करता है। कई बार इस तरह के झगड़े होने के चलते अब वह इस्तीफा देने को तैयार है और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपने दोस्त प्रीतम के कहने पर अब एक ऑटो रिक्शा का चालक शुरू कर देता है, जिससे उसकी दोस्ती तब पहली बार दिल्ली में हुई थी। एक इंसान के रूप में वह उसका काफ़ी सम्मान करता है और प्रीतम ने उसकी मदद के लिए की थी जब उसका कोई भी ठेर ठिकावा नहीं था। पत्राचार के दौरान कुछ महीने पहले आरती ने दीपक को एक ऊनी स्वेटर को भी भेजा हुआ था जिस पर रोशनी का दिया बना है। जब आरती दिल्ली पहुंचती है तो वह दीपक के पते पर उसे तलाशती है और उम्मीद करती है कि वह उसे मिल सकेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सिर्फ तुम इस मूवी की कहानी शुरू होगी, जहां पर दीपक राय इसमें संजय कपूर है। दीपक राय को एक अनजाना पर्स मिल रहा है जिसमें आरती नामक की एक महिलाओं के कई सारे शैक्षणिक पत्र, महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स और उसके लिए कुछ अनावश्यक चीज़ें रखी थी। उसे पता चलता है कि यह महिला नैतीवाल में अपना जीवन व्यतीत करती है। दीपक राय उस पर्स को बिना खोले और बिना उसमें से कोई चीज़ उठाए ही उस पर्स को नैतीवाल में भेजने का और वह सामान उसके पास भेजने का फैसला करता है। वह पत्र के द्वारा फिर से जो सामान उसे पर्स के तौर पर मिला था वह उसे पीछे भेज देता है। इसमें पत्रों के माध्यम से उन दोनों के बीच में ही एक अस्थाई पत्राचार शुरू होता है, जिसमें आरती की महत्वपूर्ण कागज़ पत्र उसे मिलने की वजह से वह काफ़ी खुश है। वह दीपक के लिए एक धन्यवाद पत्र का भेजती है, जिसके बाद उन्हें एक दूसरे के साथ पत्र का व्यवहार करना शुरू करना है। फिल्म की कहानी दिन ब दिन आगे बढ़ती है, जहां पर दोनों के पत्र व्यवहार से भले ही एक दूसरे को यह दोनों जोड़ा जानता नहीं था और ना ही एक दूसरे को उन्होंने आपस में कभी देखा था ना मिले थे, लेकिन दोनों की ही तरफ एक दूसरे का जो आकर्षण है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है। पत्र व्यवहार से उनके आकर्षण को बढ़ावा मिलता है। आरती की बहन और देवल निर्मल कुछ हद तक उनका अब धीरे धीरे हौसला भी बढ़ाना शुरू करते हैं। जबकि निर्मल ने तो यह भी सुझाव दिया था कि यह जो भी कर रही हो वो गलत है, तुम अपने ही पड़ोस के एक प्रसिद्ध युवा व्यवसायी और व्यवसाय साझेदार जिसका नाम प्रेम है उससे शादी कर लो। इसमें प्रेम की भूमिका में सलमान खान नजर आते हैं। सलमान खान ने फिल्म में प्रेम की भूमिका में एक महत्वपूर्ण अभिनय निभाया हुआ भी नजर आता है, जिन्हें सिर्फ प्रेम के तौर पर ही फिल्म में दिखाया जाता है। बाद में उन्हें इस फिल्म से हटा दिया जाता है।
बात करते हैं कहानी से जुड़ी कुछ अन्य हिस्सों की, जहाँ पर उसकी बहन बड़ी बहन आरती के लिए यह कहते हुए कि तुम अपना जीवन साथी खुद चुनो। एक दिन आरती दीपक को यह बताए बिना ही वह उसे ढूंढने और खोजने की तलाश में निकल पड़ती है, क्योंकि वह दीपक को गिफ्ट और साथ ही सरप्राइज देने का फैसला करती है। वह दीपक से कोई भी वार्तालाप न करते हुए दीपक को खोज करने के लिए उसके यहाँ जाने का फैसला करती है, क्योंकि उसे सिर्फ यही पता है कि वह दिल्ली में रहता है। तो वह फिलहाल दिल्ली में आ रही है क्योंकि उसकी बॉस नेहा के साथ अस्थायी तौर पर उसकी नौकरी चल रही है और वह उसके यहाँ वह नौकरी करती है। मामलों की मदद नहीं कर रही नेहा है, जो दीपक की एक बॉस है, लेकिन बॉस से अधिक वह दीपक की तरफ काफ़ी रोमांटिक है, और रोमांटिक इस तरह से है कि वह दीपक से प्यार करती है, लेकिन दीपक उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता। उसका दिल सिर्फ आरती के लिए धड़कता है और वह सिर्फ आरती से ही प्यार करता है। कई बार इस तरह के झगड़े होने के चलते अब वह इस्तीफा देने को तैयार है और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपने दोस्त प्रीतम के कहने पर अब एक ऑटो रिक्शा का चालक शुरू कर देता है, जिससे उसकी दोस्ती तब पहली बार दिल्ली में हुई थी। एक इंसान के रूप में वह उसका काफ़ी सम्मान करता है और प्रीतम ने उसकी मदद के लिए की थी जब उसका कोई भी ठेर ठिकावा नहीं था। पत्राचार के दौरान कुछ महीने पहले आरती ने दीपक को एक ऊनी स्वेटर को भी भेजा हुआ था, जिस पर रोशनी का दिया बना है। जब आरती दिल्ली पहुंचती है तो वह दीपक के पते पर उसे तलाशती है और उम्मीद करती है कि वह उसे मिल सके का, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सिर्फ तुम इस मूवी की कहानी शुरू होगी, जहां पर दीपक राय, जिसमें इसमें संजय कपूर है, दीपक राय को एक अनजाना पर्स मिल रहा है जिसमें आरती नामक की एक महिलाओं के कई सारे शैक्षणिक पत्र, महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स और उसके लिए कुछ अनावश्यक चीज़ें रखी थी। उसे पता चलता है कि यह महिला नैनीताल में अपना जीवन व्यतीत करती है। दीपक राय उस पर्स को बिना खोले और बिना उसमें से कोई चीज़ उठाए ही उस पर्स को नैनीताल में भेजने का और वह सामान उसके पास भेजने का फैसला करता है। वह पत्र के द्वारा फिर से जो सामान उसे पर्स के तौर पर मिला था वह उसे पीछे भेज देता है। इसमें पत्रों के माध्यम से उन दोनों के बीच में ही एक अस्थायी पत्राचार शुरू होता है, जिसमें आरती की महत्वपूर्ण कागज़ पत्र उसे मिलने की वजह से वह काफ़ी खुश है। वह दीपक के लिए एक धन्यवाद पत्र का भेजती है, जिसके बाद उन्हें एक दूसरे के साथ पत्र का व्यवहार करना शुरू करना है। फिल्म की कहानी दिन ब दिन आगे बढ़ती है, जहां पर दोनों के पत्र व्यवहार से भले ही एक दूसरे को यह दोनों जोड़ा जानता नहीं था और ना ही एक दूसरे को उन्होंने आपस में कभी देखा था ना मिले थे, लेकिन दोनों के ही तरफ एक दूसरे का जो आकर्षण है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है। पत्र व्यवहार से उनके आकर्षण को बढ़ावा मिलता है। आरती की बहन और देवल निर्मल कुछ हद तक उनका अब धीरे धीरे हौसला भी बढ़ाना शुरू करते हैं, जबकि निर्मल ने तो यह भी सुझाव दिया था कि यह जो भी कर रही हो वो गलत है, तुम अपने ही पड़ोस के एक प्रसिद्ध युवा व्यवसायी और व्यवसाय साझेदार जिसका नाम प्रेम है उससे शादी कर लो। इसमें प्रेम की भूमिका में सलमान खान नजर आते हैं। सलमान खान ने फिल्म में प्रेम की भूमिका में एक महत्वपूर्ण अभिनय निभाया हुआ भी नज़र आता है, जिन्हें सिर्फ प्रेम के तौर पर ही फिल्म में दिखाया जाता है। बाद में उन्हें इस फिल्म से हटा दिया जाता है। बात करते हैं कहानी से जुड़ी कुछ अन्य हिस्सों की, जहां पर उसकी बहन बड़ी बहन आरती के लिए यह कहते हुए कि तुम अपना जीवन साथी खुद चुनो। एक दिन आरती दीपक को यह बताए बिना ही वह उसे ढूंढने और खोजने की तलाश में निकल पड़ती है, क्योंकि वह दीपक को गिफ्ट और साथ ही सरप्राइज देने का फैसला करती है। वह दीपक से कोई भी वार्तालाप न करते हुए दीपक को खोज करने के लिए उसके यहाँ जाने का फैसला करती है, क्योंकि उसे सिर्फ यही पता है कि वह दिल्ली में रहता है। तो वह फिलहाल दिल्ली में आ रही है
क्योंकि उसकी बॉस नेहा के साथ अस्थायी तौर पर उसकी नौकरी चल रही है और वह उसके यहाँ वह नौकरी करती है। मामलों की मदद नहीं कर रही नेहा है जो दीपक की एक बॉस है, लेकिन बॉस से अधिक वह दीपक की तरफ काफ़ी रोमांटिक है और रोमांटिक इस तरह से है कि वह दीपक से प्यार करती है, लेकिन दीपक उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता। उसका दिल सिर्फ आरती के लिए धड़कता है और वह सिर्फ आरती से ही प्यार करता है। कई बार इस तरह के झगड़े होने के चलते अब वह इस्तीफा देने को तैयार है और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपने दोस्त प्रीतम के कहने पर अब एक ऑटो रिक्शा का चालक शुरू कर देता है, जिससे उसकी दोस्ती तब पहली बार दिल्ली में हुई थी। एक इंसान के रूप में वह उसका काफ़ी सम्मान करता है और प्रीतम ने उसकी मदद के लिए की थी जब उसका कोई भी ठेर ठिकावा नहीं था। पत्राचार के दौरान कुछ महीने पहले आरती ने दीपक को एक ऊनी स्वेटर को भी भेजा हुआ था जिस पर रोशनी का दिया बना है। जब आरती दिल्ली पहुंचती है तो वह दीपक के पते पर उसे तलाशती है और उम्मीद करती है कि वह उसे मिल सके, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सिर्फ तुम इस मूवी की कहानी शुरू होगी जहां पर दीपक राय, जिसमें इसमें संजय कपूर है, दीपक राय को एक अनजाना पर्स मिल रहा है जिसमें आरती नामक की एक महिलाओं के कई सारे शैक्षणिक पत्र, महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स और उसके लिए कुछ अनावश्यक चीज़ें रखी थी। उसे पता चलता है कि यह महिला नैनीताल में अपना जीवन व्यतीत करती है। दीपक राय उस पर्स को बिना खोले और बिना उसमें से कोई चीज़ उठाए ही उस पर्स को नैनीताल में भेजने का और वह सामान उसके पास भेजने का फैसला करता है। वह पत्र के द्वारा फिर से जो सामान उसे पर्स के तौर पर मिला था वह उसे पीछे भेज देता है। इसमें पत्रों के माध्यम से उन दोनों के बीच में ही एक अस्थाई पत्राचार शुरू होता है जिसमें आरती की महत्वपूर्ण कागज़ पत्र उसे मिलने की वजह से वह काफ़ी खुश है। वह दीपक के लिए एक धन्यवाद पत्र का भेजती है जिसके बाद उन्हें एक दूसरे के साथ पत्र का व्यवहार करना शुरू करना है। फिल्म की कहानी दिन ब दिन आगे बढ़ती है जहां पर दोनों के पत्र व्यवहार से भले ही एक दूसरे को यह दोनों जोड़ा जानता नहीं था और ना ही एक दूसरे को उन्होंने आपस में कभी देखा था ना मिले थे, लेकिन दोनों के ही तरफ एक दूसरे का जो आकर्षण है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है। पत्र व्यवहार से उनके आकर्षण को बढ़ावा मिलता है। आरती की बहन और देवल निर्मल कुछ हद तक उनका अब धीरे धीरे हौसला भी बढ़ाना शुरू करते हैं, जबकि निर्मल ने तो यह भी सुझाव दिया था कि यह जो भी कर रही हो वो गलत है, तुम अपने ही पड़ोस के एक प्रसिद्ध युवा व्यवसायी और व्यवसाय साझेदार जिसका नाम प्रेम है उससे शादी कर लो। इसमें प्रेम की भूमिका में सलमान खान नजर आते हैं। सलमान खान ने फिल्म में प्रेम की भूमिका में एक महत्वपूर्ण अभिनय निभाया हुआ भी नज़र आता है, जिन्हें सिर्फ प्रेम के तौर पर ही फिल्म में दिखाया जाता है। बाद में उन्हें इस फिल्म से हटा दिया जाता है। बात करते हैं कहानी से जुड़ी कुछ अन्य हिस्सों की जहां पर उसकी बहन, बड़ी बहन आरती के लिए यह कहते हुए कि तुम अपना जीवन साथी खुद चुने। एक दिन आरती दीपक को यह बताए बिना ही वह उसे ढूंढने और खोजने की तलाश में निकल पड़ती है, क्योंकि वह दीपक को गिफ्ट और साथ ही सरप्राइज देने का फैसला करती है। वह दीपक से कोई भी वार्तालाप न करते हुए दीपक को खोज करने के लिए उसके यहाँ जाने का फैसला करती है, क्योंकि उसे सिर्फ यही पता है कि वह दिल्ली में रहता है। तो वह फिलहाल दिल्ली में आ रही है क्योंकि उसकी बॉस नेहा के साथ अस्थायी तौर पर उसकी नौकरी चल रही है और वह उसके यहाँ वह नौकरी करती है। मामलों की मदद नहीं कर रही नेहा है जो दीपक की एक बॉस है, लेकिन बॉस से अधिक वह दीपक की तरफ काफ़ी रोमांटिक है और रोमांटिक इस तरह से है कि वह दीपक से प्यार करती है, लेकिन दीपक उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता। उसका दिल सिर्फ आरती के लिए धड़कता है और वह सिर्फ आरती से ही प्यार करता है। कई बार इस तरह के झगड़े होने के चलते अब वह इस्तीफा देने
को तैयार है और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपने दोस्त प्रीतम के कहने पर अब एक ऑटो रिक्शा का चालक शुरू कर देता है, जिससे उसकी दोस्ती तब पहली बार दिल्ली में हुई थी। एक इंसान के रूप में वह उसका काफ़ी सम्मान करता है और प्रीतम ने उसकी मदद के लिए की थी जब उसका कोई भी ठेर ठिकावा नहीं था। पत्राचार के दौरान कुछ महीने पहले आरती ने दीपक को एक ऊनी स्वेटर को भी भेजा हुआ था जिस पर रोशनी का दिया बना है। जब आरती दिल्ली पहुंचती है तो वह दीपक के पते पर उसे तलाशती है।